कैसे हो बच्चों। तो आज अपन डीसीएम टेस्ट सीरीज में मेजर पेपर थर्ड मैथमेटिक्स की बात करते हैं, ठीक है। इसमें कंप्लीट फुल सिलेबस के क्वेश्चन से अपने मैथमेटिक्स के, और पेपर में टोटल 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, सेक्शन डी सॉरी। सेक्शन ए में 6 क्वेश्चंस हैं, 4 सिंगल चॉइस के, 1 पैसेज। सेक्शन बी में 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं एंड सेक्शन डी में बेटा 6 इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस सिग्नम एक्स का मोड इंटू एक्स माइनस वन इज नॉन डिफरेंशियबल पॉइंट। आपको ये चेक करना है कि ये जो फंक्शन है आपका एफ एक्स, ये कितने पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशियबल होगा। तो देखो कैसे करें इस क्वेश्चन को अपन। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक काम करते हैं, इस सिग्नम की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बोल सकते हैं, एक्स अगर जीरो हो तो सिग्नम एक्स को जीरो लेते हैं, एक्स पॉजिटिव है तो सिग्नम एक्स को वन लेना है, और एक्स अगर नेगेटिव है तो सिग्नम एक्स को माइनस वन लेते हैं। तो देखो इसको अपन रीराइट कर सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू इफ एक्स अगर आपका नेगेटिव है तो सिग्नम एक्स की वैल्यू माइनस वन, तो ये आ गया एक्स प्लस वन का मॉड इंटू एक्स माइनस वन, और इफ एक्स अगर आपका एग्जैक्ट जीरो है तो सिग्नम जीरो जीरो, और एक्स को जीरो लेने पे जीरो इंटू समथिंग, ये कंप्लीट पार्ट आपका जीरो होगा, यस। और लास्ट इज इफ एक्स इज पॉजिटिव तो सिग्नम एक्स को वन लोगे, तो दिस इज एक्स माइनस वन का मोड इंटू एक्स माइनस वन, ये नॉर्मल ब्रैकेट है। इतना आने के बाद अब देखो क्या करना है इसमें, ये एक्स प्लस वन पे ओपन, ये माइनस वन पे ओपन होगा, ये वन पे ओपन होगा। तो अपन इसका चलो डायग्राम बनाने की ट्राई करते हैं। तो देखो सभी, देखो एक तो अपन को बेसिकली ये देखना है कि जिस फंक्शन पे, जिस एक्स की वैल्यू पे फंक्शन की डेफिनेशन क्या हो, चेंज हो, उस पे फंक्शन को कंटिन्यूअस और नॉन डिफरेंशियबल या डिफरेंशियबल चेक करना होगा। आफ्टर दैट जैसे एक्स ग्रेटर देन जीरो में ये एक्स माइनस वन का मोड है, तो एक्स माइनस वन का जो मोड है ये आपका वन पे नॉन डिफरेंशियबल है, बट इसके बाहर भी कौन है, एक्स माइनस वन, तो ये एक्स माइनस वन पे नॉन डिफरेंशियबल है। आना चाहिए कि एफ एक्स इंटू जी एक्स का प्रोडक्ट, और जो एफ एक्स है वो एक्स इक्वल टू ए पे आपका नॉन डिफरेंशियबल है, बट जी एक्स एक्स इक्वल टू ए पे जीरो हो तो एल एच डी आर एच डी एफ एक्स की तो एक्स इक्वल टू ए पे डिफरेंट होगी, बट जी ऑफ ए अगर जीरो हो तो उनका मल्टीप्लाई एल एच डी आर एच डी से जीरो बन जाएगा, तो देन फंक्शन आपका क्या बन जाएगा, डिफरेंशियबल। तो ये एक्स इक्वल टू वन पे तो क्या होगा, डिफरेंशियबल। तो एक तो जीरो पे देखना है इसको डिफरेंशियबिलिटी, और एक माइनस वन पे, क्योंकि माइनस वन पे एक्स प्लस वन का मोड वंस अगेन नॉन डिफरेंशियबल, और ये माइनस वन पे जीरो नहीं होगा, तो एक तो ये एक्स माइनस वन पे नॉन डिफरेंशियल हो सकता है और एक ही जीरो पे नॉन डिफरेंशियल हो सकता है। तो केवल दो पॉइंट पे आपको चेक करना है। तो देखो कैसे करोगे, आप इसमें केस बना सकते हो कि एक्स की, इसमें ऐसे लिख सकते हो कि इफ एक्स माइनस वन से लेस है और एक्स की वैल्यू माइनस वन से जीरो के बिटवीन है, तो एक्स की वैल्यू अगर माइनस वन से लेस लोगे तो ये वैल्यू नेगेटिव होगी, तो माइनस के साथ ओपन करोगे ये लो, और एक्स प्लस वन टू एक्स माइनस वन इज एक्स स्क्वायर माइनस वन, और एक्स अगर माइनस वन से जीरो है तो ये पॉजिटिव होगा तो प्लस के साथ, तो देन दिस इज वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब आप केयरफुली देखो ना, इसका जब डी ओ वाई डी एक्स करोगे तो माइनस टू एक्स होगा, इसका टू एक्स, तो एक्स को माइनस वन लेने पे एल एच डी आई एच डी दोनों डिफरेंट होंगी, तो ये माइनस वन पे क्या होगा, नॉन डिफरेंशियबल। और सीधा भी बोल सकते हैं प्रॉपर्टी से कि ये माइनस वन पे नॉन डिफरेंशियबल है, बट जी ऑफ माइनस वन नॉन जीरो है, तो देन 100% ये फंक्शन एक्स इक्वल टू माइनस वन पे क्या होगा, नॉन डिफरेंशियबल, ठीक है। और जीरो की बात करोगे तो देखो जीरो पे एफ डैश जीरो जीरो होगा, और जीरो पे ये वाई इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वन। इसके बाद जब अपन इसका जीरो पे अगर एक बात करोगे तो देखो जीरो पे तो ये जीरो आ गया ना, और जीरो को जब इसमें पुट करोगे तो जीरो पे फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूस है। ये बात ध्यान रखें, जल्दीबाजी में आपने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। डिफरेंशिएशन जब करना है जब फंक्शन उस पॉइंट पे क्या हो, कंटिन्यूअस हो। तो देखो ना, ये जीरो पे जीरो है, ये जीरो पे आपका माइनस वन है, तो ये जीरो पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, तो नॉन डिफरेंशियल ही होगा। तो जीरो और माइनस वन पे फंक्शन क्या होगा, जीरो पे ये आपका नॉन डिफरेंश, सॉरी जीरो पे ये डिसकंटिन्यूअस भी है तो नॉन डिफरेंशियल भी होगा, माइनस वन पे ये
कॉन्टिन्यूस तो है बट ये नॉन डिफरेंशियल होगा. तो इसने पूछा कि नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशियबल पॉइंट, तो उसका टू आंसर मतलब थर्ड ऑप्शन आपको फिल करना. ठीक है चले. उसके बाद देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला गया. लेट ए वन ए टू ए थ्री ए एन विद दी वर्टेक्सेज ऑफ एन एन साइड रेगुलर पॉलीगन सच दैट वन अपॉन ए वन ए टू इक्वल टू वन अपॉन ए वन ए थ्री प्लस वन अपॉन ए वन ए फोर. ये आपको उनके वर्टेक्स की जो लेंथ है टू वर्टेक्स के लेंथ में रिलेशन गिवेन है. ठीक है तो देन वैल्यू ऑफ एन इज. तो देखो कैसे करोगे क्वेश्चन को. और ये क्वेश्चन एक रेगुलर क्वेश्चन है जो आईआईटी में दो बार पूछा जा चुका है. ठीक है एक बार तो क्वेश्चन में ये रिलेशन ही गिवन था और एक बार इस रिलेशन को सोल्व करके इनकी वैल्यूज को पुट किया था ए वन ए टू ए वन ए थ्री और ए वन ए फोर को और आफ्टर दैट क्वेश्चन को वंस अगेन पूछा गया था. ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको. ये रेगुलर पॉलीगन है लेट ए वन ए टू ए थ्री एंड ए फोर. ठीक है ये ओरिजिन है वो इसका सेंटर लेट कर लेते हैं. आपको ए वन ए टू की लेंथ को फाइंड आउट करना है ए वन ए थ्री की लेंथ को और ए वन ए फोर की लेंथ को. तो देखो ये टोटल एंगल टू पाई है तो ये कितना होगा टू पाई बाई एन. तो ये लेट एंगल आ गया टू पाई बाई एन. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ए वन ए टू की वैल्यू सॉरी ए वन ए टू की लेंथ को करना फाइंड आउट. तो क्या करें उसके लिए देखो ये इसकी रेडियस होगी कैपिटल आर ये भी कैपिटल आर और ये भी कैपिटल आर. तो इस लेंथ के लिए आप क्या करो उस पर ड्रॉ करो परपेंडिकुलर ए वन ए टू की लेंथ के लिए. तो ए वन ए टू को अगर अपन एक्स सेलेक्ट करते हैं तो ये भी एक्स दोनों को एक्स एक्स सेलेक्ट कर दो आप भाई ए वन ए टू ए टू ए थ्री ए थ्री फोर ये सब सारी साइड्स क्या होंगी सेम. तो आपने इस साइड को लेट किया टू एक्स थोड़ा केयरफुली देखना. तो इसको अगर आप टू एक्स सेलेक्ट करोगे तो देखो ये एंगल आपका कितना होगा पाई बाई एन क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये 90 है. और जब आप इस पे ऐसे इसके वर्टेक्स से क्या ड्रॉ करोगे एक सर्किल तो देन ए वन ए टू ये सारे क्या हैं इसकी कॉर्ड होंगी. तो ये सारी अगर कॉर्ड हैं तो देन सेंटर से जब कॉर्ड पे क्या करोगे परपेंडिकुलर तो वो परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा और ये बहुत एंगल सारे इक्वल. तो पाई बाई एन आ गया ना. तो साइन पाई बाई एन इज एक्स अपॉन आर. क्या गया साइन पाई बाई एन स्मॉल ट्राइंगल के अंदर अगर आप बात करोगे तो लिख सकते हो साइन पाई बाई एन इक्वल टू एक्स अपॉन आर. तो एक्स इक्वल टू क्या जाएगा देखो आर साइन पाई बाई एन. ठीक है ना तो अपन को टू आर चाहिए तो टू आर साइन पाई बाई एन आ गया. क्या गया टू आर साइन पाई बाई एन. इस तरीके से आपने क्या किया ए वन ए टू की लेंथ को फाइंड आउट किया. तो लिख देते हैं इसमें ए वन ए टू इक्वल टू टू आर साइन पाई वाई एन. इतना आने के बाद अब आपको बात करनी है ए वन ए थ्री की लेंथ. तो ए वन ए थ्री के लिए वंस अगेन इस पे ड्रॉ कर दो परपेंडिकुलर. ये लो ये करने के बाद क्या करो आप ये ए वन ए थ्री ये क्या है ये वंस अगेन इस सर्किल की कॉर्ड है. तो सेंटर से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो देखो ये ए वन ए थ्री को जो ओरिजिन से ज्वाइन करोगे तो ये एंगल तो कितना आ गया फोर पाई बाई एन. तो इसका हाफ कितना बन जाएगा ये टू पाई बाई एन. तो वंस अगेन साइन टू पाई बाई एन का फॉर्मूला क्या लोगे तो इसमें जब साइन टू पाई बाई एन का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ये हाफ लेंथ मिलेगी ना आपको. तो ये भी एक्स है ये भी एक्स है तो वंस अगेन सेम ही प्रोसीजर होगा. तो क्या लिखोगे ये लेट आपने पॉइंट एम लेट किया तो ए वन एम की वैल्यू क्या होगी साइन टू पाई बाई एन इज ए वन एम अपॉन आर साइन टू पाई बाई एन इक्वल टू ए वन एम अपॉन आर. आर से मल्टीप्लाई करो तो देन ए वन एम इक्वल टू आ गया आर साइन टू पाई बाई एन. आपको ए वन एट ए वन ए थ्री की वैल्यू को करना कैलकुलेट तो ये दोनों लेंथ सेम होंगी ना. तो देन ए वन ए थ्री आ जाएगा टू ए एम वन टू ए वन एम दिस इज टू आर साइन टू
पाई वाई एन, ये लो ये ए वन ए थ्री आ गया। ऐसे ही अपन नेक्स्ट ए वन ए फोर की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो देखो सिमेट्री से क्या होगा, ए वन ए टू में साइन पाई वाई एन है, टू आर तो फिक्स है, अगले में साइन टू पाई वाई एन। सिमिलरली ए वन ए फोर की बात करूं तो क्या आएगा, टू आर साइन थ्री पाई वाई एन। क्यों? क्योंकि जब ए वन को ए फोर से ज्वाइन करोगे तो टोटल एंगल होगा सिक्स पाई वाई एन, तो उसका हाफ करोगे तो थ्री पाई वाई एन, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने ए वन ए टू ए वन ए थ्री और ए वन ए फोर की वैल्यू को क्या किया, फाइंड आउट। अब इन वैल्यूज को इस रिलेशन में पुट करके देखते हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो इस रिलेशन में पुट करोगे तो क्या आएगा, वन अपॉन ए वन ए टू की वैल्यू टू आर साइन पाई बाई एन इक्वल टू वन अपॉन टू आर साइन टू पाई बाई एन प्लस वन अपॉन टू आर साइन थ्री पाई बाई एन। टू आर तो कैंसिल आउट, फिर क्या करना है इसका लो एलसीएम। तो एलसीएम लेने पे क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई तो आ गया वन के साथ लेफ्ट में, तो साइन टू पाई बाई एन साइन ऑफ थ्री पाई बाई एन इक्वल टू इसके साथ फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई होगा, दिस इज साइन पाई बाई एन साइन थ्री पाई बाई एन प्लस इस वन के साथ इन दोनों का मल्टीप्लाई साइन पाई बाई एन एंड साइन टू पाई बाई एन, लिख देते हैं साइन पाई बाई एन और साइन ऑफ, ये आने के बाद क्या करो इसको टू से मल्टीप्लाई, ये दिख गया होगा क्यों, क्योंकि तो टू से मल्टीप्लाई करने पे इट इज बिकम टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला, सब में टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला। देखो टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होगा, एक काम करें थोड़ी देर के लिए, इन सब में पाई बाई एन का रोल है, तो एक काम करो लेट कौन लिखेगा बार बार, अपन पाई बाई एन को थीटा लेट कर देते हैं। तो पाई बाई एन को थीटा मानोगे तो देखो ये टू थीटा आ गया, ये थ्री थीटा, तो टू साइन टू थीटा साइन थ्री थीटा, मतलब टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला, टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए माइनस बी पे थीटा आ गया माइनस कॉस ए प्लस बी पे फाइव थीटा इक्वल टू इधर भी ए माइनस बी पे टू थीटा और ए प्लस बी पे चार थीटा आ गया, ठीक है ना। कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस थ्री थीटा, सॉरी कॉस थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा, ये आ गया। इतना आने के बाद अब देखो क्या करना है, कुछ कैंसिल वैंसिल कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं ना, ये लो कॉस थीटा से कॉस थीटा हो गया कैंसिल आउट। अब सबको ले आओ आप लेफ्ट साइड में, तो जैसे ही सबको लेफ्ट साइड में आप कन्वर्ट करोगे तो देखो ये कॉस फाइव थीटा इधर आके प्लस का और ये भी इधर आके प्लस का, चलो इन सबको लेफ्ट में शिफ्ट करो, तो देन कॉस फोर थीटा और इसको इधर लेके आओगे तो माइनस के कॉस टू थीटा, ठीक है। देखो सिंपल सी बात, क्या अपन को कॉस सी माइनस कॉस डी को फॉर्मूले को यूज करना है, तो वेट ऑप्शन यही है कि इन दोनों में सी डी लगाओगे तो सी प्लस डी वाई टू तो आ गया थ्री थीटा और सी माइनस डी वाई टू हो जाएगा थीटा। सेम थिंग अगर इसकी बात करोगे फाइव और थ्री में, फाइव प्लस थ्री तो फोर थीटा और फाइव माइनस थ्री पे थीटा बन जाएगा, तो चलो इन दोनों को दो शिफ्ट करो और कॉस फाइव को राइट में शिफ्ट करो आप, तो देन कॉस फाइव थीटा माइनस कॉस ऑफ थ्री थीटा। अब यूज करो कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला, माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन ऑफ सी माइनस डी बाई टू, तो माइनस टू साइन दिस प्लस दिस बाई टू और साइन ऑफ सी माइनस डी बाई टू। सिमिलरली माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू और साइन ऑफ सी माइनस डी बाई टू, तो ये लो माइनस टू से तो माइनस टू हटाए तो एक तो आ गया साइन थीटा कॉमन, तो एक तो आ गया साइन थीटा इक्वल टू जीरो, तो देखो लिख देते हैं सिंपल साइन थीटा इक्वल टू जीरो और सेकेंड इज साइन फोर थीटा इक्वल टू साइन ऑफ थ्री थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है, पाई वाई एन, ध्यान रखना। तो देखो साइन थीटा जीरो, साइन की वैल्यू जीरो कब होगी, पाई के मल्टीपल पे, तो आप लिख सकते हो थीटा इक्वल टू, तो थीटा का मीनिंग है पाई वाई एन इक्वल टू, इसको मान लेते हैं एम पाई, पाई से पाई चला गया, अपन को n बताना है तो n क्या होगा 1 बाई एम,
वट, आपको पता है जनरल सॉल्यूशन में एम आपका इंटीजर है और एन अगर इसमें नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो आप खुद सोचो ना, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिनिमम थ्री साइड फोर साइड होना तो मस्ट है, ए वन ए टू ए थ्री ए फोर, मिनिमम एन की वैल्यू फोर होगी। तो इसमें सिंपल सी बात यह कि एम को वन लोगे ना तो एन वन होगा, अदरवाइज एम की वैल्यू कुछ भी लो, टू थ्री फोर फाइव, एन आपका नॉन इंटीजर, तो साइड क्या कभी नॉन इंटीजर हो सकती है क्या? नो, तो ये केस तो हो गया फॉल्स, हटाओ। उसके बाद साइन फोर थीटा इक्वल टू साइन थ्री थीटा का जनरल सॉल्यूशन, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर अल्फा, तो देन दिस इज क्या, फोर थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर अल्फा इज थ्री थीटा। इसमें देखो क्या करना है, हाँ सॉरी, इस एन की जगह एम मानो, क्योंकि एन अपने क्वेश्चन में है तो एम लिख देते हैं इसको। इसमें क्या करो, एम की वैल्यू जब पुट करोगे, तो जैसे लेट आपने क्या किया, एम को इसमें पुट किया वन, तो एम को अगर वन पुट करोगे तो देखो एम को वन लेने पे क्या आने वाला है भाई, एम को जीरो लोगे तो जीरो से तो मजा क्रिकर हो जाएगा, क्योंकि एम को जीरो लेने पे तो थीटा जीरो आ गया, तो पाई बाई एन जीरो, तो पाई बराबर जीरो, ठीक है ना। तो एन एम को जीरो लेने से कोई बेनिफिट नहीं होगा, एम को जब वन लोगे तो फोर थीटा इक्वल टू पाई माइनस थ्री थीटा, तो पाई को थ्री थीटा को बदल ले आओ तो क्या आ गया, सेवन थीटा इक्वल टू पाई, और थीटा की वैल्यू है पाई बाई एन, तो इसको सोल्व करने पे आ गया एन इक्वल टू सेवन, ये करेक्ट आंसर है। उसके बाद एम की वैल्यू टू थ्री फोर फाइव सिक्स कुछ भी पुट करना, उसके में पुट करने के बाद जब एन की वैल्यू की बात करोगे तो एन आपका इंटीजर नहीं आएगा, एन ऑल रिमेनिंग केसेज में क्या होगा, नॉन इंटीजर, तो देन इसका ए की आंसर करेक्ट हो सकता है, एन इक्वल टू सेवन, ठीक है। तो जब रेगुलर पॉलीगन में टोटल सेवन वर्टेक्सेज होंगे या सेवन साइड्स होंगी, उसी केस में जो ये रिलेशन गिवन था ये फुलफिल हो सकता है, ठीक है। तो देन इसके अकॉर्डिंग इसका अभी फोर्थ ऑप्शन बेटा करेक्ट होगा, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा ये लोग, ठीक है, चले। उसके बाद देखो क्वेश्चन थर्ड, लेट जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड अल्फा वी ए रियल नंबर, जेड आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, अल्फा कोई भी रियल नंबर बोला गया है, और आपको टू कंडीशंस गिवन है, ये सबको पता होगा, जेड माइनस जेड वन का मोड इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इट रिप्रेजेंट दी लोकस ऑफ जेड इज ए सर्किल, इसमें जेड का जो लोकस है वो क्या होगा, सर्किल को रिप्रेजेंट करता है, जेड माइनस जेड वन का मोड इज आर, इसका मीनिंग क्या है, एक सर्किल है जिसका सेंटर तो बेटा जेड वन है और रेडियस उसकी आर होगी, ठीक है। तो देन इसका मीनिंग क्या है, एक सर्किल है जिसका सेंटर तो अल्फा कॉमा जीरो है, लिख देते हैं लेट सी वन इज अल्फा कॉमा जीरो और रेडियस आर वन इज टू, यस सर। सिमिलरली सेकेंड में क्या होगा, जेड माइनस जेड वन, तो माइनस कॉमन लोगे तो थ्री प्लस फोर आयोटा, तो देन इसका मीनिंग है इसका सेंटर तो आ गया थ्री कॉमा फोर और रेडियस इज फाइव, यस सर। और क्वेश्चन में बाद में बोला गया है देन द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज ओनली वन सॉल्यूशन, इन दोनों इक्वेशनों का, इन दोनों सर्कलों का ओनली वन सॉल्यूशन है, तो बताओ अल्फा की नंबर ऑफ वैल्यूज क्या हो सकती है। इसका मीनिंग क्या है, टू सर्किल के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात की गई है, ये दो जेड का लोकस क्या है, टू सर्किल्स हैं, तो टू सर्किल्स के लिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन हैज सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज ओनली वन सॉल्यूशन, तो वन सॉल्यूशन कब आ सकता है, जब बहुत सर्किल्स आर टच ईच अदर इंटरनली और एक्सटर्नली, जब दोनों सर्किल एक दूसरे को या तो इंटरनली टच करें या एक्सटर्नली टच करें, उसी केस में बेटा क्या बोल सकते हो आप कि हाँ ओनली वन सॉल्यूशन उसका एग्जिस्ट करेगा। तो देखो इसको डायग्राम की हेल्प से भी कर सकते हो और मैथमेटिकली भी कर सकते हो। तो देखो कैसे करना है, जैसे जो आपका सेकेंड सर्किल है इसका सेंटर है थ्री कोमा फोर और रेडियस फाइव है, तो देखो केयरफुली ये सेंटर अगर थ्री कोमा फोर है तो इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी, फाइव है ना, इसका मीनिंग जो सर्किल है वो आपका जीरो जीरो से पास होगा, तो सेकेंड सर्किल तो बनेगा ऐसे जिसका सेंटर सी टू है, ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट सर्किल है जिसकी रेडियस फिक्स है टू और सेंटर अल्फा कॉमा जीरो, देखो अगर आप अल्फा को पॉजिटिव मानते हो तो सेंटर लाइज ऑन दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इस केस में क्या होगा, सेंटर कहीं इधर रिलेट करते हैं अपन, तो 100% बात है कि ज्योमेट्रिकली इसको एक ही पॉइंट पे ये इधर टच कर सकता है, तो अल्फा की एक वैल्यू हो सकती है इधर, ठीक है ना, ये इसका सेंटर अल्फा कॉमा जीरो, ये इसकी रेडियस टू है, तो आप इसको मैथमेटिकली करना चाहो तो क्या करना, चलो सेंटर को ये मान लेते हैं,
इन दोनों के सेंटर को ज्वाइन कर देना, ये लेट फाइव है, तो क्या लिख सकते हो C1C2 इक्वल टू R1 + R2 अगर वो एक्सटर्नली क्या करता है टच। अब एक बात बताओ, अगर इसका सेंटर अल्फा कॉमा जीरो इधर है तो इसको इंटरनली टच की तो बात ही नहीं कर सकते ना, इंटरनली टच इसको करा ही नहीं सकते आप, इंटरनली टच इसको कर ही नहीं सकते क्योंकि इसकी रेडियस क्या बोली गई है, 2 बोली गई है, ठीक है। तो आप तो कुछ नहीं करना, ये लिख देना सीधा C1C2 का मोड इक्वल टू R1 + R2, ये लो, इसको मैथमेटिकली कर दो, मोड लगाने की जरूरत है नहीं, वैसे लगा सकते हो, या फिर ये भी कर सकते हो, अगर इंटरनली टच करता है वो तो ऑटोमेटिक आंसर जाएगा आपका R1 - R2 का मोड, ऑटोमेटिक आंसर है। अगर आप इंटरनली टच की बात करोगे भाई, बाई चांस चलो कुछ मैंने बोला सर सेंटर इधर हो सकता है बाई चांस, तो चलो मान लेते हो सकता है, तो ऐसे बन सकता है ना रफली डायग्राम। तो आप जब इन दोनों कंडीशन को सोल्व करोगे और अल्फा अगर नेगेटिव है तो एक पॉसिबल डायग्राम आपका इधर भी हो सकता है। इंटरनली टच में तो सारी कंडीशन लगाने की रिक्वायरमेंट है नहीं आपको, तो सिंपल कुछ नहीं करना, अगर बहुत सर्किल्स आर टच ईच अदर इंटरनली और एक्सटर्नली तो उस केस में इसके ओनली टू सोल्यूशन, ओनली वन सोल्यूशन हो सकता है। तो आप क्या करना, C1 C2 की जो वैल्यू है दोनों सेंटर के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, अगर एक्सटर्नली टच करता है तो R1 + R2 होगी, या इंटरनली के लिए R1 - R2 का मोड, तो दोनों केसेज को सोल्व करना, तो आपको अल्फा की ओनली 2 पॉसिबल वैल्यू मिलेंगी जिसके लिए ये इसको क्या करते हैं इंटरनली या एक्सटर्नली टच करते हैं, तो देन आपको इसका सेकेंड ऑप्शन फिल करना, ठीक है। तो इसको मैथमेटिकली कर सकते हो आप। चलो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एक्स की पावर एक्स माइनस एक्स की पावर एक्स माइनस एक्स इज, ये नॉर्मल ब्रैकेट है, आपको इस लिमिट की वैल्यू आपको करनी है फाइंड आउट। तो देखो कैसे करना है, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0 प्लस, अपन सेपरेट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, पहले एक्स टेंस टू 0 प्लस पे एक्स की पावर एक्स की बात करते हैं। तो देखो ये ना, ये 0 की पावर 0 फॉर्म है, तो क्या करो इसको लेट कर दो कि लेट ये एल, जब भी 0 की पावर 0 फॉर्म हो या इन्फिटी की पावर 0 फॉर्म हो तो उसका एक ही ऑप्शन है, उसको एल एड करके लॉग लो, उससे सोल्व करो। तो जब इसका बोथ साइड लॉग लोगे तो क्या लिखोगे, एल एन एक्स इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0 प्लस एक्स एल एन एक्स, देन इट इज बिकम 0 इंटू इन्फिटी फॉर्म। तो जब भी 0 इंटू इन्फिटी फॉर्म हो तो क्या करते हैं, उसको आप 0/0 फॉर्म में या इन्फिटी फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो देखो सिंपल सी बात क्या है इसमें, इसमें x को अपॉन में लाना ज्यादा सिंपल है, x को लिख सकते हैं 1/x। अब x को 0 पुट करोगे तो दिस इज बिकम इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म, जब भी इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म हो तो आप वी कैन यूज डीएल रूल, डीएल का मतलब न्यू या एल लोपिटल रूल, न्यूमेटर का न्यूमेटर में डिफरेंशिएशन और डिनोमेटर का डिनोमेटर में। तो न्यूमेटर में log x का तो क्या आ गया 1/x, और इधर आ गया 1/x का -k/1x स्क्वायर, 1x चला गया तो x ऊपर आ गया, मतलब दिस इज -kx, और x को 0 पुट करोगे तो लिमिट क्या जाएगी इसकी 0, मतलब ln l आपका 0 है तो l की वैल्यू e की पावर 0 इज 1, मतलब सिंपल सी बात क्या है, x टेंस टू 0 प्लस पे x की पावर x आपका 1 होगा, क्या होगा x की पावर x आपका 1 है। तो अब आप इधर देखो ब्लैक बोर्ड पे, ये l था तो ये x की पावर x की लिमिट 1 है, और ये तो आपका 0 की तरफ टेंड करता है 0 प्लस की तरफ, और ये 1 की तरफ टेंड करने वाला है, तो 0 प्लस टेंस टू 1 तो ये वैल्यू क्या होगी 0, तो 1 - 0 इज 1, तो इसका सेकंड ऑप्शन आपको फिल करना, ठीक है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था ये। चलो उसके बाद नेक्स्ट टू क्वेश्चंस में एक पैसेज है, उस पैसेज की बात करते हैं। कंसीडर द इक्वेशन दिस पार्ट ए बीइंग ए पैरामीटर, एक सिंपल आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन है, तो आपको 1/1 टू क्वेश्चंस को बात करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ नंबर का, इफ ए इज 1 देन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज, अगर ए आपका 1 है तो बताओ इस गिवन इक्वेशन के कितने रियल और डिस्टिंक्ट रूट हो सकते हैं। तो देखो इसमें जब ए को 1 पुट करोगे तो एक काम करो, इसको कौन लिखेगा बार बार, इसको अपन थोड़ी देर के लिए टी मान लेते हैं, इसको टी लेट करो तो क्वेश्चन आ गया 10²t, और सिंपल एक काम करो उसमें ए को साथ के साथ 1 पुट कर दो रे, ए को 1 पुट करने पे क्या आ गया 10²t - 4 10t + 4 इक्वल टू 0, तो क्या बनेंगे, ये बन गया 10t - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0,
तो होल स्क्वायर की वैल्यू जीरो का मतलब इससे आगे टेन टी इक्वल टू टू। अब इसके बाद देखो क्या करना है, टी का मीनिंग क्या है, दिस पार्ट, टी का मीनिंग है कॉस रूट फोर पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको थोड़ा केयरफुली देखो, इसकी डोमेन की बात करते हैं, डोमेन के लिए क्या करोगे, दिस पार्ट ग्रेटर देन जीरो, तो फोर पाई स्क्वायर माइनस एक्स करो, जैसे ही ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करोगे तो इनइक्विटी को सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा एक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस टू पाई से प्लस टू पाई, और एक्स जब माइनस टू पाई से टू पाई लोगे तो बेटा इस रूट की का जो आउटपुट है, सिंपल सी बात है कि एक्स को जब टू पाई लोगे माइनस टू पाई तो जीरो आ गया ना, तो इस रूट का आउटपुट या तो जीरो होगा या मैक्सिमम आउटपुट इसका टू पाई आ सकता है, कब, जब एक्स को जीरो लोगे। और सिंपल सी बात क्या है कि कॉस का इनपुट अगर जीरो से टू पाई है तो कॉस की वैल्यू क्या होगी, माइनस वन से वन। और सुनो केयरफुली, माइनस वन से वन का अप्रोक्सिमेट मीनिंग है माइनस 57 डिग्री से प्लस 57 डिग्री। तो देखो लेट 60 आपका इधर है, माइनस 60 इधर होगा ना, तो 57 इधर और माइनस 50 से, मतलब ये 1 और ये माइनस के 1। तो एक बात बताओ, प्लस 60 से माइनस 60 के बिटवीन टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस रूट थ्री से प्लस रूट थ्री, क्या होगी बोलो, माइनस रूट थ्री से प्लस रूट थ्री, मतलब मैक्सिमम ये रूट थ्री आ सकता है, मिनिमम माइनस रूट थ्री, बट राइट साइड में कितना है, टू है, तो टू आपका रूट थ्री से ग्रेटर है। इसका मीनिंग क्या है कि टेन टी की वैल्यू तो टू हो सकती है, बट टी का इनपुट जब 60 डिग्री से ग्रेटर होगा उसी केस में टेन टी की वैल्यू टू आ सकती है। तो टी, अब टी का मीनिंग क्या है, कॉस का आउटपुट, बट कॉस का आउटपुट मैक्सिमम वन और मिनिमम माइनस वन होगा, तो देन टेन टी कभी टू आ ही नहीं सकता। तो इसका आंसर क्या होगा, नो सॉल्यूशन, तो देन आपको फर्स्ट ऑप्शन का फेल करना है, ठीक है। उसके बाद देखो इसका सेकेंड पार्ट क्या, उसकी भी बात करते हैं एक बार पढ़ते हैं सेकेंड पार्ट को साथ के साथ। हाँ, इफ ए इज माइनस हाफ देन वंस अगेन आपको चेक करना नंबर ऑफ रियल रूट्स, ए की वैल्यू क्या, माइनस क्या। तो चलो करते हैं इसको स्टार्ट। तो चलो देखो एक मिनट इसको रिमूव कर देते हैं इसमें से, बस इसमें ध्यान ही रखना अपन को बेसिकली। चलो कंप्लीट हटा देते, दोबारा कर देते, ठीक है। इफ ए इज माइनस हाफ तो देखो क्या होगा, तो a को माइनस हाफ लोगे तो चलो a को माइनस हाफ पुट कर दो, ये तो वंस अगेन आपका t था, तो क्या आ गया क्वेश्चन, टेन स्क्वायर t माइनस के सॉरी प्लस के 2 टेन t और 2a की वैल्यू माइनस 1 तो प्लस 1 इक्वल टू 0, तो क्या आ गया टेन t प्लस 1 का होल स्क्वायर 0, तो इससे आ गया टेन ऑफ t इक्वल टू माइनस के 1। और अब सिंपल सी बात सुनो, उधर जो t की वैल्यू थी वो क्या थी, माइनस 1 से 1, क्या थी बोलो, माइनस वन से वन, माइनस वन से। और इधर देखो ना, इसमें टेन टी की वैल्यू माइनस वन कब आ सकती है, जब टी आपका क्या होगा, माइनस के पाई बाई फोर, क्या होगा, माइनस के पाई बाई फोर लिखोगे, सिंपल। हाँ, और टी इक्वल टू माइनस के पाई बाई फोर इसके अंदर इनबिल्ट है, और सिंपल सी बात यह है, तो टी का आउटपुट माइनस वन से वन है, बट इसमें टी का मीनिंग क्या था, कॉस रूट 4 पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो थोड़ा बात को केयरफुली देखना, इसमें टी की वैल्यू, टी को जो माइनस पाई बाई फोर लोगे, भाई दो ऑप्शन है, या तो माइनस पाई बाई फोर ले सकते हो, ये 3 पाई बाई फोर सेकेंड क्वाड्रेंट में, बट 3 पाई बाई फोर तो उससे बाहर चला जाएगा ना, तो टी की वो वैल्यू लो जो इस इंटरवल में लाई करने वाली है, तो टी को केवल माइनस पाई बाई फोर लोगे, तो टी आपका माइनस पाई बाई फोर आ गया, तो टी की वैल्यू माइनस पाई बाई फोर की बात करोगे तो टी का मीनिंग क्या है, इस कॉस का आउटपुट, तो कॉस का आउटपुट माइनस पाई बाई फोर एक्स की दो वैल्यू पे आ सकता है, क्योंकि अंदर इसमें आ रहा है एक्स स्क्वायर, क्या आ रहा है अंदर, एक्स स्क्वायर, एक बार प्लस पे होगा और एक बार माइनस पे, तो देन इसके टोटल 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। चलो तो ये बात हुई अपने सेक्शन फर्स्ट की। अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो देखो सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट द फंक्शन एफ आर टू आर वी डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू दिस पार्ट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट।
इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 2 देन p इक्वल टू माइनस 1। क्वेश्चन क्या बोलता है कि अगर ये फंक्शन x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूस है तो बताओ क्या p की वैल्यू माइनस 1 होगी क्या? तो सिंपल, अगर ये फंक्शन 2 पे कंटिन्यूस है तो 2 इसमें पुट कर दो एक बार इसमें और इक्वल कर दो एल एच एल इक्वल टू आर एच एल। तो 2 पुट करने पे क्या आ गया 4 प्लस p इक्वल टू 2 माइनस 2 जीरो 3। तो हाँ यस p माइनस 1, इसका मतलब p को जब माइनस 1 लोगे तो ये फंक्शन x इक्वल टू 2 पे क्या होगा कंटिन्यूस। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। सेकंड ऑप्शन एफ एक्स इज डिफरेंशियबल एट x इक्वल टू 2 देन p इक्वल टू माइनस 1। तो देखो उसमें क्या करना है, p अगर आपका माइनस 1 है तो ये फंक्शन आपका कंटिन्यूस है ना, ध्यान रखें माइंड में p को माइनस 1 लेने पे फंक्शन क्या था अपना कंटिन्यूस। तो p को माइनस 1 लेने पे फंक्शन कंटिन्यूस है तो अपन इसका क्या कर सकते हैं डिफरेंशिएशन कब जब p आपका माइनस 1 है। तो चलो इसमें एक काम करो p को माइनस 1 पुट कर देते हैं, उसके बाद जब इसका अगेन डिफरेंशिएशन करोगे आप तो इसका देखो f डैश x क्या आने वाला है। इसमें f डैश x की बात करोगे तो न्यूमेरेटर में तो f डैश x आ गया 2x और इधर इसका डिफरेंशिएशन 3 का तो 0 आ गया, पावर का करोगे तो ट्वाइस ऑफ 2 माइनस एक्स और माइनस एक्स का आ जाएगा माइनस 1। पी अगर माइनस 1 है तो फंक्शन आपका कंटिन्यूस है तो देन वी विल डिफरेंशिएट इट, आप इसको क्या कर सकते हो एक्स इक्वल टू 2 के रिगार्डिंग डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो चलो किया, इसका 2x होगा, पहले पावर का करोगे माइनस एक्स का माइनस 1। अब जब इसमें एक्स को 2 पुट करोगे तो देन इसकी जो एल एच डी है ये तो 4 होगी और इसमें पुट करोगे तो इसकी आर एच डी बेटा 0 होगी। इसका मतलब पी को माइनस 1 लेने पर फंक्शन कंटिन्यूस तो होगा बट नॉन डिफरेंशियल होगा, तो ये ऑप्शन इसका रॉन्ग होगा, हटाओ। अब नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, पी अगर माइनस 1 से ग्रेटर है देन एफ एक्स हैज लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल टू 2। तो देखो लोकल मिनिमा का मीनिंग क्या है, लोकल मिनिमा के लिए कैसे चेक करते हैं, तो देखो अगर डायग्राम मेरा ऐसा हो तो ये तो देता लोकल भाई, जैसे आप इससे समझो जैसे ऐसे डायग्राम है कोई, इधर आप किसी पॉइंट पे टेंजेंट बनाओगे तो ये तो टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव है और इधर टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब आप प्लस से माइनस की तरफ मूव करोगे तो फंक्शन दिस पॉइंट पे क्या होगा लोकल मैक्सिमा, इसका मतलब डायग्राम अप होगा इसका। अब के केस में ये पॉइंट ये लोकल मैक्सिमा का पॉइंट, इसका मीनिंग क्या लोकल मैक्सिमा का कि एक्स इक्वल टू ए पे एफ ऑफ ए की वैल्यू ए प्लस और ए माइनस से क्या होगी ग्रेटर, और लोकल मिनिमा में क्या होगा f ऑफ a की वैल्यू ऐसे f ऑफ a की वैल्यू f ऑफ a प्लस और f ऑफ a माइनस दोनों से क्या होती है लेस होती है। तो देखो करते हैं अपन, तो इसमें देखो सिंपल सी बात क्या है f ऑफ 2 और f ऑफ 2 प्लस ये दोनों तो इससे मिलने वाले हैं आपको, तो सिंपल ये लिखोगे आप लोकल मिनिमा के लिए f ऑफ 2 की वैल्यू ऑलवेज लेस होगी f ऑफ 2 माइनस से, यस इक्वल हो सकती है ये 2 माइनस पे 2 प्लस वैल्यू ग्रेटर होगी, और ये लिखने की तो रिक्वायरमेंट है नहीं इसमें कि f ऑफ 2 इज लेस देन इक्वल टू f ऑफ 2 प्लस, तो ये तो ऑटोमेटिक क्या है ट्रू है ना, क्योंकि f ऑफ 2 और 2 प्लस दोनों इसी के अंदर इनबिल्ट है तो वैल्यू दोनों पे सेम होगी तो वो ट्रू होगा। तो क्या लिखना है f ऑफ 2 इज लेस देन इक्वल टू f ऑफ 2 माइनस, तो देखो f ऑफ 2 की वैल्यू तो इससे मिलेगी ना 2 माइनस 2 जीरो तो 3 आ गया और लेस देन इक्वल टू ये आ गया p प्लस 4, तो देन 4 को दिलाने पे आ गया p ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस के 1। p जब आपका माइनस 1 से ग्रेटर होगा तो देन क्या बोलोगे आप हैज लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू 2 पे क्या होगा मिनिमा होगा इसका, तो इसके अकॉर्डिंग इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि p आपका माइनस 1 से ग्रेटर होना चाहिए। हाँ अब इसमें एक्सट्रीम पॉइंट पे आपको ऑलवेज चेक करना है क्या एक्सट्रीम पॉइंट को ले सकते हैं क्या, तो p को अगर आप माइनस 1 लेते हो उसमें चलो उसको देखते हैं एक बार करके अपन, तो चलो p को अगर इस फंक्शन में आपने माइनस में पुट किया तो p को माइनस में लेने पे क्या होगा, देखो एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इफ एक्स लेस देन 2 और ये आ गया 3 प्लस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर
एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू। तो पता अपन को लोकल मिनिमा की कंडीशन क्या होगी, लोकल मिनिमा के केस में इस पॉइंट पे वैल्यू दोनों से लेस होनी चाहिए। तो देखो एफ ऑफ टू कितना है इसमें, इसमें एफ ऑफ टू की वैल्यू 3 है ना, और एफ ऑफ टू प्लस की बात करोगे तो देखो एफ ऑफ टू प्लस क्या होगा, एफ ऑफ टू तो 3 आ गया, 2 प्लस पे ये वैल्यू 0 से ग्रेटर, तो 0 से ग्रेटर में जब 3 ऐड करोगे तो ये 3 प्लस होगा, इसका मतलब ये 2 आएगा आपका, और एफ ऑफ 2 माइनस की बात करोगे तो देखो क्या होगा, 2 माइनस पे, तो मुद्दे की बात इसमें ये है, जब 2 माइनस पे इसको चेक करोगे आप तो आपको 2 माइनस को इसमें पुट करना है, ठीक है ना। तो देखो 2 माइनस पे क्या होगा, 2 माइनस पे ये वैल्यू क्या देगा, 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, तो 2 माइनस से 2 से थोड़ी सी लेस वैल्यू लोगे तो उसकी स्क्वायरिंग करने पे वैल्यू क्या होगी, 2 माइनस का मीनिंग क्या मानोगे, 2 से जस्ट, इधर देखो जैसे लेट ये आपका 2 माइनस है, तो 2 से जस्ट लेस है, तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया ना, तो 2 से लेस का स्क्वायर 4 से लेस, तो ये 5 से थोड़ी लेस होगी, इसका मतलब ये 5 के आसपास जाएगी, इसका मीनिंग क्या है कि हाँ 2 माइनस पे वैल्यू भी इसकी क्या होगी, एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन करेक्ट होगा कि पी आपका अगर माइनस 1 से ग्रेटर है तो देन एफ एक्स हैज लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल टू 2, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन इज इफ पी इज ग्रेटर देन 3 देन लीस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स अकर एट एक्स इक्वल टू 2, अगर पी आपका 3 से ग्रेटर है तो ये बताना है आपको क्या एक्स इक्वल टू 2 पे एफ एक्स की न्यूनतम वैल्यू एग्जिस्ट करती है क्या, पी ग्रेटर देन 3 देन लीस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज अकर एट एक्स इक्वल टू 2, इसका मीनिंग क्या है कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो एक्स की मोर देन वैल्यू पे क्या, मोर देन 1 वैल्यू पे या मोर देन एक्स की वैल्यू पे इसकी मिनिमम वैल्यू अकर कर सकती है, बट क्वेश्चन में बोला गया है कि एक्स की ओनली 2 वैल्यू पे या एक्स इक्वल टू 2 पे इसकी मिनिमम वैल्यू क्या करनी चाहिए, अकर करनी चाहिए, तो बताओ पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो चलो उसको थोड़ा अपन डायग्राम की हेल्प से देखते हैं, तो चलो उसको करते हैं दोबारा। तो देखो एक बार रफली डायग्राम बना के देखो आप, अगर आप इसकी बात करोगे तो देखो 2 पे 0 देगा, तो 2 पे वैल्यू 3 मिलेगी आपको, 2 पे आ गया 3, और उसके बाद ये वैल्यू बढ़ती जाएगी आपकी, तो इसका डायग्राम तो बन गया ऐसे। इसमें अगर आपने पी को 0 माना, पी को 0 मानोगे तो एक्स स्क्वायर का डायग्राम बनेगा ऐसे, तो 2 पे वैल्यू 4 होगी ना इसकी, इसका मतलब इसका रफली डायग्राम बनेगा यूं, ये 2 पे 4 है, कब, जब मैंने पी को 0 लेट किया। तो अब आप ये बताओ अगर पी को 0 लेट करो या पी की वैल्यू को नेगेटिव लेट करोगे तो डायग्राम नीचे की तरफ जाएगा, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो आपकी 2 पे आई नहीं सकती, फिर तो मिनिमम वैल्यू आपकी देखो एक्स की इन वैल्यूज पे हो सकती है। तो एक्स इक्वल टू 2 पे इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कब अकर कर सकती है, जब ये जो फर्स्ट डायग्राम है ये ऑलवेज इस वाई इक्वल टू 3 की लाइन से अप हो, यस। अगर इक्वल टू भी आ गया फिर भी मामला गड़बड़ा जाएगा, जैसे लेट आपने डायग्राम को ऐसे मान लिया, किसका डायग्राम, दिस पार्ट का, तो अभी भी एक्स इक्वल टू 2 पे भी वैल्यू मिनिमम 3 होगी और 0 पे भी वैल्यू मिनिमम 3 होगी, तो अभी भी गलत है। इसका मतलब ये 0 पे ये पॉइंट है आपका, मतलब एफ ऑफ 0 पे जो पॉइंट है ये 3 से ग्रेटर होना चाहिए, इसका मीनिंग एक्स को 0 पुट करोगे तो पी अगर आपका 3 से ग्रेटर है तो देन दिस पार्ट का डायग्राम 3 से जस्ट अबव होगा, तो ओनली एक्स इक्वल टू 2 पे इसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो इसका फर्स्ट थर्ड और फोर्थ ऑप्शन बच्चों करेक्ट होगा, ठीक है। चले उसके बाद देखो क्वेश्चन सेकंड क्या है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, लेट एबीसी बी दी साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी, एबीसी आपकी ट्रायंगल की साइड है और एक लॉ की कंडीशन गिवन है, तो इस लॉ की कंडीशन को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो देन वी विल गेट द रिलेशन ऑफ एबीसी। तो देखो फटाफट, लॉग ए प्लस लॉग बी माइनस लॉग सी, तो लॉग ए प्लस लॉग बी तो आ गया लॉग ए बी, तो क्या आ गए, ए प्लस सी माइनस के लॉग बी इक्वल टू लॉग टू, और लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग ए अपॉन बी, तो दिस इज ए प्लस सी अपॉन बी इक्वल टू बी, सॉरी ये टू था,
तो इससे आ गया बेटा a प्लस सी इक्वल टू टू बी, इसका मतलब a कोमा बी कोमा सी आर एन एन ए पी। तो एक तो आंसर आ गया ए बी सी आर एन ए पी, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट एक कंडीशन और क्या बोली गई है, इफ दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ दिस पार्ट हैज टू इक्वल रूट्स, तो इस क्वाड्रेटिक के अगर बोथ रूट्स आर इक्वल है तो इसका डी जीरो कर देते हैं। तो चलो सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में लिखो, तो देखो इसमें और इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या गया सी माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स और प्लस ए प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये लो, ये आपने क्या किया, इसको प्रॉपर क्वाड्रेटिक की फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया। इतना लिखने के बाद सिंपल क्या करोगे, इसका डी इक्वल टू जीरो, बोथ रूट्स आर इक्वल, तो चलो डी जीरो करते हैं। तो बी स्क्वायर का मतलब फोर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो सी माइनस ए सी प्लस ए, दिस इज सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यस सर, इक्वल टू जीरो। तो देखो फोर से फोर कैंसिल, माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इससे एक रिलेशन आ गया सिंपल सा, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। इसका मीनिंग क्या है, ये टू साइड के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर की इक्विवेलेंट है, देन ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल, और सी स्क्वायर की इक्विवेलेंट है तो सी दिस इज लेट ए दिस इज लेट बी, इसका मतलब ये ट्राइंगल आ गया ए बी एंड सी, मतलब सी पे एंगल 90 है आपका, सी पे एंगल अगर 90 है तो अब आप क्या कर सकते हो, इन दोनों रिलेशन की हेल्प से ए बी सी की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, ए बी सी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो या उनमें रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो, क्या कर सकते हो रेशियो। तो क्या करना है आपको, इसके बाद इन दोनों रिलेशन को सॉल्व करना है, आपको क्या करना है, इन बोथ रिलेशन को सॉल्व करना है। तो इसके लिए क्या करो भाई, आपको सिंपल सी बात है, देखो फर्स्ट ऑप्शन तो आ गया ना, आपको थर्ड और फोर्थ ऑप्शन बताना है कि साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी की वैल्यू क्या होगी। तो देखो सिंपल सी बात क्या है, ये एंगल अगर ए है तो साइन ए तो क्या होगा ए अपॉन सी प्लस साइन बी बी अपॉन सी प्लस साइन सी, तो बना गया ना, आपको ए अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी की वैल्यू को करना है कैलकुलेट। तो इसका मतलब ए प्लस बी अपॉन सी बताना है आपको, क्या करना है आपको ए प्लस बी अपॉन सी प्लस वन की वैल्यू को करना है कैलकुलेट। तो आपको एबीसी में रिलेशन चाहिए, तो एक काम करना सभी, एबीसी अगर आपके एपी में है तो एपी की तीन टर्म लेट कर देना, देखो मिडिल टर्म को तो बी लेट करो, इसको तो लेट करना बी माइनस कॉमन डिफरेंस डी, और इसको लेट कर देना बी प्लस डी, ठीक है। ए को तो लेट करना बी माइनस डी, बी को बी लेट करो और सी को बी प्लस डी, ये इसमें पुट करके क्या होगा, इससे आपको बी में और डी में मिलेगा रिलेशन, एक सिंपल सा रिलेशन। उस रिलेशन को भाई आपको ए प्लस बी अपॉन सी की वैल्यू चाहिए ना, तो इसमें भी ए प्लस बी और सी की वैल्यू पुट कर दो, और उस रिलेशन से जब किसी एक वेरिएबल का क्या करोगे एलिमिनेशन, तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन कर सकते हो आप, एक ये ऑप्शन है, या फिर उसको इसमें पुट करने से आप साइड भी फाइंड आउट कर सकते हो, क्या कर सकते हो साइड लेंथ की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलो तो अभी जब सॉल्व करोगे तो इसका फोर्थ ऑप्शन और आ जाएगा, ठीक है। तो इसका फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन बच्चों करेक्ट होगा, ठीक है। चले उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, एक लाइन गिवन है आपको एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू वन एंड कट दी कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए एंड बी। ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को पॉइंट ए और बी पे क्या करती है इंटरसेक्ट, एंड सेकेंड लाइन है एक्स अपॉन ए डैश प्लस वाई अपॉन बी डैश इक्वल टू माइनस वन एट ए डैश एंड बी डैश इफ दी पॉइंट ए बी ए डैश बी डैश आर कॉन्साइक्लिक पॉइंट देन ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल ए बी डैश ए बी ए डैश इज, मतलब ये ऑल फोर पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक है, तो बताओ इस ट्राइंगल कौन सा ए बी ए डैश का ऑर्थो सेंटर क्या होगा। तो देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, पहले इस फर्स्ट लाइन को ड्रॉ करते हैं अपन। फर्स्ट लाइन क्या है, ये इंटरसेक्ट फॉर्म में गिवन है, तो ये लाइन ऐसे होगी ना, दिस इज पॉइंट ए कोमा जीरो, मतलब इसको ए लेट करना है, ये बी पॉइंट जीरो कोमा बी है। उसके बाद थर्ड लाइन को रफली अपन इधर मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ये पॉइंट तो है ए डैश इज माइनस ए डैश कोमा जीरो और दिस इज बी डैश इज बोलो जीरो कोमा माइनस के बी डैश। तो इसमें दो बातें बोली गई हैं, एक बात तो बोली गई क्वेश्चन में
ऑल फोर पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक, इसका मतलब इन चारों पॉइंटों से एक सर्किल पास होगा, एक तो इसका यूज करना है इसमें। और बाद में पूछा गया कि ट्राइंगल ए बी ए डैश का ऑर्थो सेंटर, तो देखो सबसे पहले इसका ऑर्थो सेंटर करते फाइंड आउट। तो ऑर्थो सेंटर का मीनिंग क्या है, जो वर्टेक्स है उससे अपोजिट साइड पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो परपेंडिकुलर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। तो देखो सभी पॉइंट बी से जब आप ए ए डैश पे क्या करोगे परपेंडिकुलर, तो फिर तो वो इसी पे मीट करेगा ना, क्योंकि ऑलरेडी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब फिक्स हो गया कि जो ऑर्थो सेंटर वो लाइज ऑन दी वाई एक्सिस। फिर क्या करो, एक इस पॉइंट से भी ड्रॉ कर देते परपेंडिकुलर, तो ये आपका क्या होगा ऑर्थो सेंटर। इस ऑर्थो सेंटर को मान लो 0, अल्फा, क्योंकि इसका एक्स कोण तो आ गया 0। अब अगर ये ऑर्थो सेंटर फाइंड आउट करना तो क्या करोगे, देखो ये आपको पता होगा ए डैश एच लाइन का स्लोप, मतलब इस लाइन का स्लोप आपको फाइंड आउट करना है, और एक ए बी का स्लोप, और बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर देन m1 m2 -1। तो ए डैश इसको डिलीट कर दो, तो स्लोप ऑफ एम ए डैश डी इज क्या अल्फा माइनस 0 अपॉन 0 माइनस दिस इज ए डैश, और ए बी का स्लोप क्या होगा, ए बी लाइन आपको गिवन है, तो ए बी का स्लोप माइनस कॉफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशियंट ऑफ वाई, या फिर सीधा देख सकते हो बी माइनस 0 अपॉन 0 माइनस ए। तो स्लोप ऑफ एम ए बी इज कितना माइनस के बी वाई, और बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, ए डैश डी और ए बी इज परपेंडिकुलर, तो दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होगा माइनस वन, तो कितना आ जाएगा अल्फा बी अपॉन ए डैश ए इक्वल टू वन, क्यों, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल, तो देन इससे आ गया अल्फा इज ए ए डैश अपॉन बी। तो एक आंसर तो आ सकता है ऑर्थो सेंटर का 0, ए ए डैश अपॉन बी, तो एक आंसर तो आ गया इसका फर्स्ट ऑप्शन। बट आपसे क्वेश्चन में कंडीशन बोली गई है कि ये ऑल फोर पॉइंट्स आर कौन साइक्लिक, तो इसका मतलब आप ए ए डैश और बी बी डैश में एक रिलेशन कर सकते हो फाइंड आउट। तो देखो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, और वैसे ये आप सबने पढ़ा होगा मेरे अकॉर्डिंग जितना पता है, सीधा उसको ऐसे भी देख सकते हो, जैसे लाइट एक सर्कल है आपका, दो लाइन ऐसे कट करती है, सॉरी एक लाइन ऐसे कट करती है, एक लाइन ऐसे कट कर सकती है, और लाइट ये पॉइंट है ओ, ये नॉट सेंटर ए बी सी एंड डी, सबने पढ़ा होगा ना OB इंटू OD इक्वल टू OA इंटू OC, ठीक है, तो सीधा लिख सकते हैं अपन, जैसे एक लाइन ऐसे है इस पे, एक लाइन ऐसे, और ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट OA, तो OA इंटू OA डैश इक्वल टू OB इंटू OA डैश, तो दिस इज A, दिस इज A डैश, तो क्या आ गया आंसर, A A डैश इक्वल टू लिख सकते हैं B इंटू B डैश। तो सिंपल सी बात क्या है, जब आप A A डैश को पुट करोगे बी बी डैश, तो बी डैश कैंसिल, सॉरी बी कैंसिल होकर 0, b' भी आंसर हो सकता है, तो ऑप्शन है क्या ऐसा कोई 0, b'? यस सर, तो इसका एक सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है। तो इसका सेकंड और थर्ड ऑप्शन, ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि टू लाइंस अगर एक सर्किल को क्या करती है इंटरसेक्ट करती है, तो देन उस इंटरसेक्शन पॉइंट को लिखें, तो दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस, इसको अपन ट्राई भी कर सकते हैं, ठीक है, चलो तो एक ठीक क्वेश्चन था। उसके बाद देखो फोर्थ क्वेश्चन है, एक कोनिक सी, मतलब एक कोनिक सेक्शन है सी, सेटिस्फाई दी डिफरेंशियल इक्वेशन दिस पार्ट एंड पासिंग थ्रू दी पॉइंट 1, 0 एंड इलिप्स ई विच इज कॉन फोकाइल विद सी हैविंग इट्स इसेंट्रिसिटी इक्वल टू √2/3। मतलब क्या है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को जब आप सिंप्लीफाई करोगे या सोल्व करोगे, तो देन वी विल गेट दी इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व, और उस इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व में इज पासिंग थ्रू दी पॉइंट 1, 0, तो देन वी विल गेट ए कोनिक सेक्शन, उसको क्वेश्चन ने बोला गया सी कि दिस कोनिक सेक्शन इज सी, एंड एक इलिप्स है जिसकी फुकाय उस कोनिक सेक्शन की फुकाय के इक्वल है, वो इसलिए इसको बोला गया कौन फुकाय, इसका मीनिंग यही है कि टू कोनिक सेक्शन की फुकायल अगर सेम हो, फोकस अगर सेम हो या फुकाय सेम हो, तो उसको क्या बोलते हैं कौन फुकाय, और इलिप्स ई की इसेंट्रिसिटी आपको गिवन है, इसका मतलब फिक्स है कि फुकाय केवल दो सेम हो सकती हैं, इलिप्स की फुकाय उसके साथ कोइंसाइड, इसका मतलब इसकी इक्वेशन या तो इलिप्स होगी या हाइपरबोला। तो चलो अपन फर्स्ट ऑफ ऑल इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं, तो देखो कैसे करोगे,
ये तो सिंपल है, इसमें तो वी कैन यूज वेरिएबल सेपरेशन, ये सेपरेशन वेरिएबल, तो एक्स वाई डी वाई को उधर शिफ्ट करो तो क्या गया, वन प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई डी वाई। तो देखो इस एक्स को अपोन में वन प्लस वाई स्क्वायर को उधर ले जाओ तो क्या गया, डी एक्स अपोन एक्स इक्वल टू वाई डी वाई अपोन वन प्लस वाई स्क्वायर। यस सर, सीधा क्या कर दो इंटीग्रेशन, तो इसको टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड, तो ये तो आ गया एल एन एक्स वन बाई टू, ये आ गया एल एन वन प्लस वाई स्क्वायर फिनिश। ठीक है, तो क्या आ गया देखो, एल एन एक्स इक्वल टू वन बाई टू एल एन वन प्लस वाई स्क्वायर प्लस के सी, और सी की वैल्यू के लिए क्या करना है, इज पासिंग थ्रू दी वन कॉमा जीरो, एक्स को वन लोगे तो एल एन वन जीरो हटाओ, वाई को जीरो वन सगेन एल एन वन जीरो, तो सी जीरो आ गया, हटाओ भाई। तो सिंपल आपका कर्व क्या आ गया देखो, इस टू को दला के ऊपर ले जा सकते हैं ना, तो क्या आ गया एल एन एक्स स्क्वायर इक्वल टू एल एन वन प्लस वाई स्क्वायर। यस सर, एल एन से एल एन कैंसिल, तो क्या आ गया वाई स्क्वायर को उधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, दिस रिप्रेजेंट दी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब ए इक्वल टू बी आ गया आपका। ठीक है, चलो तो इसको रिमूव करके दोबारा लिख देते हैं एक बार साफ सुथरा। क्या गए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब क्वेश्चन ने क्या बोलेगा, हाँ, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी क्या होगी, रूट टू, और ए इसका वन है, तो इसकी जो फुकाएं हैं वो क्या होंगी, प्लस माइनस रूट टू कॉमा जीरो। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है कि जो अपना एलिप्स ई है उसकी जो फुकाएं हैं वो इसके साथ कोइंसाइड हैं, तो उसकी फुकाएं मान लेते हैं प्लस माइनस ए डेस ई डेस इक्वल टू प्लस माइनस रूट टू, तो ये तो हटा दो प्लस माइनस, तो देन ए डेस ई डेस इज रूट टू, और क्वेश्चन में उसकी सेंट्रिसिटी बोली गई है अंडर रूट टू बाय थ्री। एक बार देख लेते हैं उसको बैक करके अपन, हाँ, इसकी सेंट्रिसिटी क्या है, रूट टू अपॉन थ्री, तो जब इसमें ई डेस को पुट करोगे रूट टू अपॉन थ्री, तो देन एक मिनट रुके, तो क्या आ गए, इससे आ गए ए डेस इक्वल टू रूट थ्री, ये लो ए डेस आपका रूट थ्री है, और इसेंटिसिटी आपने ई डेस लिखी थी रूट टू बाय थ्री, तो देन लिख सकते हैं ना अपन ई स्क्वायर इक्वल टू ई डेस स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस बी डेस स्क्वायर अपॉन ए डेस स्क्वायर, इन सबकी वैल्यूज को पुट करोगे तो देन आप b की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, b डेस की वैल्यू, तो e डेस का स्क्वायर तो आ गया 2 बाई थ्री इक्वल टू वन माइनस b डेस का स्क्वायर अपॉन 3, क्या आ गया b डेस का स्क्वायर इज 3, तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो 1 बाई थ्री, तो b डेस सिंपल बना गया इसमें, तो b डेस बना गया, a डेस आपका रूट थ्री है, तो देन इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 इक्वल टू 1, तो एलिप्स की इक्वेशन तो दिस होगी, तो सेकंड ऑप्शन आ गया। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द कोनिक सेक्शन सी, तो जो कोनिक सेक्शन सी है वो आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ये हाइपरबोला हो या एलिप्स हो दोनों केसेज में जो उसकी एलआर है उसकी लेंथ क्या होगी, 2b स्क्वायर अपॉन ए, और b और a इक्वल है तो आंसर आ गया 2a, और a आपका कितना है 1, तो देन एलआर की लेंथ क्या होगी 2, तो देन इसका फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट होगा। आफ्टर दैट इक्वेशन ऑफ, हाँ ये तो रॉन्ग हो गया ना, क्योंकि एलिप्स की इक्वेशन दिस पार्ट है, the locus of the point of intersection of the perpendicular tangent to the ellipse E is, तो क्या दिक्कत है, ये ellipse है, sorry ये ellipse है आपका, इसकी perpendicular tangent का जो locus है वो क्या होगा, director circle, और director circle की equation क्या होगी, center तो उसका 0 0 होगा ना, तो x square by y square equal to a square plus b square, a 3 b 4 sorry 3 and 1 4, तो इसने 3 दिया तो गलत है ना, तो इसका डायरेक्टर सर्किल क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, तो इसका ओनली फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5th है। क्वेश्चन 5th में क्या बोला गया है, लेट एफ एक्स बी ए डिफरेंशियबल फंक्शन सेटिस्फाइंग 0 से 2x x एफ टी डी टी प्लस 2 से 2 इंटू इंटीग्रेशन x से 0 टी एफ टी 2 टी इक्वल टू दिस पार्ट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, इस फंक्शनल इक्वेशन को सोल्व करना है। तो ये आपको पता है कि जब भी इंटीग्रेशन की लिमिट वेरिएबल हो तो देन वी कैन यूज न्यूटन्स लेबनीज फॉर्मूला। आप क्या करो, न्यूटन्स लेबनीज फॉर्मूले की हेल्प से इसका क्या करोगे, डिफरेंशिएशन। बट इसमें एक ट्विस्टिंग पार्ट क्या है, इसमें देखो एक्स वेरिएबल है, सॉरी एफ टी डी टी तो इंटीग्रेशन का पार्ट है, एक्स इसमें कॉन्स्टेंट है, तो आप एक्स को बाहर ले सकते हैं इसमें, इस एक्स को बाहर लेना आप, और इसका इंटीग्रेशन करोगे फर्स्ट इनटू सेकंड से, क्योंकि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू दी एक्स। तो क्या करोगे, देखो पहले एक्स का करोगे तो इंटीग्रेशन एज इट, तो जीरो से टू एक्स एफ टी डी टी प्लस एक्स एज इट इज, इंटीग्रेशन करो तो इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन पावर पुट करो एफ ऑफ टू एक्स और अपर लिमिट का टू, लोअर लिमिट तो जीरो है तो उसको तो जीरो कर दोगे आप, डिफरेंशिएशन हटाओ प्लस, अब करते हैं इसका, तो टू एज इट इज, अपर लिमिट का करोगे तो जीरो, क्योंकि अपर लिमिट को पुट करने पे जीरो, और लोअर लिमिट पुट करने पे जीरो माइनस एक्स एफ ऑफ टू एक्स और एक्स का वन आ गया, और इक्वल टू में देखो इसका हो गया एट एक्स क्यू माइनस के सिक्स एक्स स्क्वायर, और ढंग से देखो ये क्या है माइनस के टू एक्स एफ ऑफ टू एक्स, इससे कैंसिल आउट हो गया, कितना सिंपल, मतलब ओनली दिस पार्ट इक्वल टू दिस पार्ट। तो वंस अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स यूजिंग द न्यूटन्स लेबनीज फॉर्मूला, इसका अगेन करोगे तो पहले पावर पुट करो, तो दिस इज एफ ऑफ टू एक्स, पावर का डिफरेंशिएशन टू आ गया, इक्वल टू इसका 24x स्क्वायर माइनस के 12x, यस सर, इसको जैसे ही 2 से डिवाइड करोगे तो देन वी विल गेट 2x इक्वल टू आ गया 12x स्क्वायर माइनस के 6x। इतना आने के बाद एक काम करो, अपन को fx फंक्शन लाना है तो 2x को पुट कर दो t, अगर आप इसमें 2x को t पुट करोगे तो फंक्शन क्या आ गया f ऑफ t इक्वल टू, तो इधर भी x की वैल्यू पुट करो t by 2, तो t by 2 का स्क्वायर t स्क्वायर by 4, तो ये आ गया 3t स्क्वायर माइनस के 3t, यस सर, और वंस अगेन अपन t को मान लेते हैं x, तो t को x लेट करोगे तो आपका फंक्शन क्या आ गया fx इक्वल टू 3 कॉमन या 3x कॉमन x माइनस 1, ये एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक फंक्शन है आपका। अब अपन करते वन बाई वन ऑप्शंस की, तो कर सकते हो, इसके बाद कोई बड़ी बात नहीं है। मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस पार्ट, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, अपवर्ड पैराबोला की मिनिमम वैल्यू होगी माइनस के डी अपॉन फोर, ये लो, तो माइनस डी का मीनिंग बी स्क्वायर, तो उसका बी स्क्वायर तो आ गया 9 माइनस 0 क्योंकि सी इसमें प्रेजेंट नहीं है, अपॉन 4a 3, तो 3 से 3 कैंसिल किया तो माइनस के 3/4, यस सर, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। एफ ऑफ मॉड एक्स इज नॉन डिफरेंशियबल एट एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ एक्स, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एफ एक्स का जो मोड है वो एक्स की ओनली वन वैल्यू पे क्या है, नॉन डिफरेंशियबल, तो चलो देखते हैं इसको। तो ये एफ एक्स का मोड क्या होगा इसका, एफ ऑफ मोड एक्स इज 3 मोड एक्स और ब्रैकेट में आ गया मोड एक्स माइनस 1, यही होगा ना। अब अपन इसके डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, देखो इसका डायग्राम कैसे ड्रॉ करोगे, इसके डायग्राम को ड्रॉ करना है, तो देखो डायग्राम कैसे ड्रॉ होगा, ये जीरो पे जीरो है और ये प्लस माइनस वन पे जीरो है, देखो ये वन पे जीरो माइनस वन पे जीरो और जीरो पे जीरो, तो सिंपल सी बात ये है कि जब एक्स आपका पॉजिटिव है तो एक्स को पॉजिटिव लोगे तो क्या होगा, थ्री एक्स इंटू एक्स माइनस वन, तो वन और जीरो पे जीरो आ गया ना, मतलब ऐसे बनेगा डायग्राम, और उधर लोगे तो डायग्राम आपका ऐसे बनेगा, तो हाँ सही है ना, ये ओनली जीरो पे क्या है शार्प कॉर्नर है, तो देन ये फंक्शन ओनली वन पॉइंट पे क्या होगा, नॉन डिफरेंशियबल, ठीक है, तो इसका एक ऑप्शन सेकंड भी करेक्ट होगा, ठीक है, चलो देखते हैं अभी, तो सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है, एक मिनट रुकें आप, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट आ गया, फर्स्ट आ गया। अब नेक्स्ट टू ऑप्शन में क्या करना है, एक्स टेंस टू वन पे एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, तो एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कैंसिल आउट, तो थ्री एक्स में एक्स को वन पुट करने पे इस लिमिट की वैल्यू भी 3 होगी, तो ये भी करेक्ट है, और ये पार्ट आप कर सकते हो कि एरिया बाउंडेड बाय दी एफ एक्स एंड एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 2, तो क्या करोगे, जो एफ एक्स फंक्शन है इसका डायग्राम ऐसे बनेगा ना, तो इसका एरिया ये बताना है,
मतलब 0 से 1 में आपको एरियाज का बाउंडेड बाय फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसको देखना है ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है या नहीं, ठीक है। चलो उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया देखें, ए इलेक्ट्रिकल एपरेटस विद 3 कंपोनेंट C1, C2, C3। ये एक इलेक्ट्रिकल एपरेटस है जिसमें 3 कंपोनेंट है C1, C2, C3 एज इन दी फॉलोइंग डायग्राम। दी कंपोनेंट वर्क्स इनडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर विद प्रोबेबिलिटीज 8/10, 9/10, 3/4 एक्सपेक्टिवली। इसका मीनिंग क्या है कि जो C1 एपरेटस है या C1 कंपोनेंट है इसके वर्क करने की प्रॉबर्टी आपको गिवन है, C2 के वर्क करने की प्रॉबर्टी आपको गिवन है और C3 के वर्क करने की प्रॉबर्टी आपको गिवन है। तो देन आपको क्या करना है, देखो C1 अगर वर्क करे इसकी प्रॉबर्टी 8/10, नेक्स्ट की 9/10 और लास्ट की 3/10 आपको गिवन है, ठीक है। आफ्टर दैट फॉर एन एपरेटस टू बी ऑपरेशनली करंट फ्लो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब इसमें जो करंट का फ्लो है वो लेफ्ट से राइट में ऐसे ही हो, चले। लेट कैपिटल एक्स डिनोट द इवेंट दैट एपरेटस इज ऑपरेशनली, मतलब एक्स एक इवेंट है उसका मीनिंग है कि जो एपरेटस है वो आपका ऑपरेट हो, एंड X1, X2, X3 denotes respectively the events that the components C1, C2, C3 are functioning। सिंपल सी बात यह है, X का मीनिंग तो क्या है कि इस apparatus के अंदर करंट फ्लो होना चाहिए या ये वर्क करना चाहिए। तो ये वर्क कब कर सकता है, जब C1, C2 दोनों आपके ऑन हो या फिर C3 ऑन हो, C1, C2 चाहे कैसे रहे, इसमें करंट फ्लो कब हो सकता है, जब ये दोनों स्विच आपके ऑन हो या C3 स्विच आपका ऑन हो, तो देन इसमें करंट फ्लो होगा। X1 का मीनिंग तो क्या है कि जो करंट का फ्लो है, इसमें बोला गया ना कि X1, X2, X3 डिनोट द इवेंट दैट कंपोनेंट C1, C2 आर फंक्शनिंग। X1 का मीनिंग तो क्या है कि कंपोनेंट C1 वर्क करे, मतलब स्विच ऑन हो। X2 का मीनिंग है कंपोनेंट C2 फंक्शनिंग करे, मतलब C2 आपका स्विच ऑन हो। और X3 का मीनिंग है C3 कंपोनेंट आपका ऑन हो। चलो Then which of the following option is true? देखो इसमें सबसे पहले तो सिंपल ऑप्शन ही देखो, क्योंकि सब में x है अपॉन में p, एग्जैक्टली 2 कंपोनेंट आर फंक्शनिंग अपॉन x। इसका मीनिंग क्या है, ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी का पार्ट है कि ओनली 2 कंपोनेंट आपके फंक्शनिंग करें अपॉन x की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1। सेकेंड क्या है, पी एक्स इज अपॉन बी, मतलब x का मीनिंग क्या था, एपरेटस इज ऑपरेशनल, मतलब इसमें करंट फ्लो होना चाहिए। तो आपको ये बताना है कि प्रोबेबिलिटी व्हेन करंट इज फ्लो, पीएक्स का मीनिंग क्या है कि प्रोबेबिलिटी व्हेन करंट इज फ्लो इन गिवन एपरेटस इज ए अपॉन बी, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, देन बी माइनस ए इज। चलो देखते हैं, और थर्ड ऑप्शन इज पी एक्स अपॉन X3 इज 1, मतलब जो करंट फ्लो हो अपॉन X3, मतलब उसमें X3 का रोल हो, समझे मेरी बात को। कंडीशन प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या है, जैसे इसको ए मानो इसको बी मानो, तो पी ए अपॉन बी का मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, मतलब न्यूमेटर में तो क्या होगा पी ए इंटरसेक्शन बी, मतलब पी एक्स इंटरसेक्शन X3 का मीनिंग कि करंट फ्लो हो या ये एपरेटस वर्क करे व्हेन X3 इज ऑन, स्विच X3 आपका ऑन होना चाहिए, यही मीनिंग है ना, स्विच X3 इज ऑन। पी एक्स अपॉन X3 का मतलब पी एक्स इंटरसेक्शन X3 अपॉन पी X3, और ऐसे ही अपन को थर्ड के सिमिलर फोर्थ ऑप्शन की भी बात करनी है। तो चलो इसको करते हैं अपन स्टार्ट, वन बाई वन ऑप्शंस को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले देखते हैं सेकंड ऑप्शन, क्योंकि सेकंड में फर्स्ट का रोल है, तो देखते हैं कैसे करोगे। इसको अपन साइड में लिख देते हैं कि लेट PC1 ये 8/10 है, PC2 9/10 है और PC3 मतलब कंपोनेंट 3 में करंट फ्लो हो या स्विच ऑन हो इसकी प्रॉपर्टी 3/4 है, और सारे इंडिपेंडेंट इवेंट है, कोई भी स्विच कैसे भी करो, ऑन करो ऑफ करो, वो सारे क्या इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो सबसे पहले देखो PX का मीनिंग क्या होगा, करंट इज फ्लो, करंट फ्लो कब हो सकता है, जब C3 कंपोनेंट ऑन हो, ये दोनों चाहे कैसे भी हो, ऑन हो या ऑफ हो, या फिर ये दोनों ऑन हो, ये स्विच आपका ऑफ हो, या तो ऐसे लिख सकते हो
और प्रॉपर मेथड ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो ऐसे लिखते हैं, सी वन इंटरसेक्शन सी टू यूनियन सी थ्री, ये इसका प्रॉपर मेथड तो ये क्वेश्चन को करने का। इसका मीनिंग क्या है कि सी वन सी टू दोनों कंपोनेंट ऑन हो उस केस में करंट फ्लो होगा, यूनियन और सी थ्री कंपोनेंट ऑन हो उस केस में इसमें करंट फ्लो होगा। तो इसका मीनिंग क्या होगा, इक्वल टू, सॉरी इसका मीनिंग क्या होगा, इक्वल टू पी सी वन इंटरसेक्शन सी टू प्लस पी सी थ्री माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी वन इंटरसेक्शन सी टू इंटरसेक्शन सी थ्री। और सी वन सी टू सी थ्री आर इंडिपेंडेंट इवेंट, और जब भी इवेंट आपके इंडिपेंडेंट हो तो उनकी प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पी सी वन पी सी टू एंड पी सी थ्री, आप जैसे ही सबको मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर देना आप, तो देन इन सबको, अरे यार पी सी वन इंटरसेक्शन सी टू का मीनिंग क्या होगा, वंस अगेन सी वन सी टू आर इंडिपेंडेंट इवेंट, तो क्या आ गया पी सी वन इंटू पी सी टू, ठीक है ना। तो पी सी वन पी सी टू पी सी थ्री सबकी वैल्यूज को पुट करोगे तो बेटा ये वैल्यू आती है 93/100, मतलब ये जो एपरेटस है वो फंक्शनिंग करे या वर्क करे तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, 93/100। इसको इधर लिख देते हैं कि पी एक्स इज 93/100, ठीक है, ये ऐसे कर सकते हो। या फिर इसका सीधा सीधा मीनिंग क्या होगा, पी एक्स इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ पी सी थ्री, मतलब स्विच सी थ्री ऑन हो, बाकी दोनों स्विच कैसे भी हो, ऑन या ऑफ कुछ भी हो, उनकी प्रॉपर्टी वन होगी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी सी वन पी सी टू इंटू पी सी थ्री बार। जब आपने सी वन सी टू को ऑन रखा तो सी थ्री को ऑफ रखना है, क्योंकि जब पी सी थ्री को ऑन रखा तो इसके अंदर सी वन सी टू दोनों ऑन हो सकते हैं, दोनों ऑफ और एक ऑफ और एक ऑन। तो जब अगर आपने पी सी टू और पी सी थ्री लिख दिया और इसको हटा दिया तो इसमें एक केस कौन सा है जिसमें पी सी थ्री ऑन नहीं हो, वो केस ऑलरेडी इसके अंदर इनबिल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने पी सी थ्री पे बार लगा दिया, इसका मतलब आपने अगर इसको हटा दिया, इसका मतलब क्या है, C1 ऑन C2 ऑन, C3 ऑन भी हो सकता है ऑफ भी हो सकता है, लेकिन जब C3 ऑन है वो केस ऑलरेडी लिख चुके तो उसको दोबारा नहीं लिखना, तो PC3 पे बार लगाओगे, इसको भी सोल्व करने पे आपका सेम ही आंसर होगा, तो एक आंसर तो आ गया। अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फर्स्ट पार्ट में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली टू कंपोनेंट अपॉन एक्स, इसका मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली टू कंपोनेंट वर्क्स अपॉन पी एक्स, टू कंपोनेंट आपके वर्क करें तो इसमें भी थोड़ा थोड़ा दिमाग दौड़ाओगे तो सारे केस यही आने वाले, दोबारा पी एक्स वाले, दो कंपोनेंट आपके वर्क करने चाहिए बस, कुछ न्यूमीटर का मीनिंग है टू कंपोनेंट, एग्जैक्टली टू कंपोनेंट्स आर वर्क इंटरसेक्शन एक्स, इसका मतलब तो क्या कि फंक्शन आपका वर्क करना चाहिए, और इसका मीनिंग कि जब फंक्शन वर्क करे बट ओनली टू कंपोनेंट आपके ऑन हो, टू कंपोनेंट क्या हो, ऑन हो, तो जब आप इसकी प्रॉपर्टी को फाइंड करोगे तो वंस अगेन वो 93/100 आने वाली है, तो दिस अपॉन दिस का रेशियो क्या आ जाएगा आपका वन, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन भी क्या होगा, करेक्ट होगा। सिमिलरली आपको इसके सेकेंड और थर्ड ऑप्शन में देखो क्या करना है, वो भी सिंपल ही है, सॉरी थर्ड और फोर्थ में, थर्ड ऑप्शन में बोला गया है पी एक्स अपॉन एक्स थ्री, तो पी एक्स अपॉन एक्स थ्री का मीनिंग क्या, देखो एक बार, पी एक्स अपॉन एक्स थ्री, तो इसको इधर लिखते हैं अपन, एक्स अपॉन एक्स थ्री, तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूले से क्या लिखोगे, पी
x इंटरसेक्शन एक्स थ्री अपॉन पी एक्स थ्री, तो इसका मीनिंग क्या है? पी एक्स थ्री का मीनिंग तो क्या होगा, 3/4, एक्स थ्री थ्री कंपोनेंट के वर्क करने की प्रॉपर्टी, और न्यूमेटर का मीनिंग क्या है, एपरेटस इज वर्क व्हेन एक्स थ्री, मतलब स्विच सी थ्री जो ऑन, सी थ्री स्विच आपका ऑन हो, सी थ्री स्विच आपका ऑन होना चाहिए हमेशा, तो और एपरेटस में करंट फ्लो होनी चाहिए, तो बताओ उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। तो सिंपल क्या करो, अपन को एक्स थ्री का मतलब स्विच थ्री में तो सी थ्री स्विच में तो करंट को फ्लो करना, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, 3/4 इंटू, अब इसमें दो तीन केस है वो समझो, वो डायग्राम ऐसे था अपना, C1, C2 एंड C3, C3 में तो करंट फ्लो कर दिया आपने और ये एपरेटस वर्क करना चाहिए, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, C3 में स्विच, C3 में करंट फ्लो कर दिया आपने, तो C1, C2 दोनों ऑन हो, ये भी चल जाएगा उसकी प्रॉपर्टी, प्लस C1 ऑन, C2 ऑफ, प्लस C2 ऑन, C1 ऑफ, इनकी प्रॉपर्टी पुट कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, और इसका लास्ट पार्ट है PX अपॉन X2, तो ये भी सिंपल है, PX अपॉन X2 का मतलब P X इंटरसेक्शन X2 अपॉन P X2, ठीक है ना, तो x इंटरसेक्शन x2, तो px2 का मीनिंग x2 की प्रायोरिटी और px इंटरसेक्शन x3, तो ये भी c के तरह सिमिलर होगा, बट इसमें देखो ट्विस्टिंग पार्ट ये कि जब x3 कंपोनेंट वर्क करे और उसमें करंट फ्लो हो तो उसकी प्रायोरिटी px3 की प्रायोरिटी की इक्वल आने वाली, तो देन इसका रेशियो क्या जाएगा आपका 1, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका मीनिंग लिख सकते हो आप कि x2 कंपोनेंट जब वर्क करे, x2 कंपोनेंट वर्क करना चाहिए बस, और उसमें करंट फ्लो होने की प्रायोरिटी, तो क्या करोगे, डिनोमीटर में तो सीधा px2 की वैल्यू पुट कर देना, और न्यूमीटर में केस बनाओगे कि x2 तो आपका हमेशा ऑन है, उसके बाद x1 करंट फ्लो होनी चाहिए, तो करंट फ्लो कब कब हो सकती है, देखो x2 को तो ऑन रखना है, x1 ऑन हो, x2 ऑन हो, प्लस x1 ऑन, सॉरी x2 लिख चुके हैं अपन, x2 को ऑन रखना है, x1 ऑन, x3 ऑन हो सकता है, x1 ऑफ, x3 ऑन हो सकता है, ठीक है, और दोनों के दोनों ऑन होंगे फिर भी आंसर आ सकता है, ठीक है। तो ये सारे केस ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, तो इसके ऑल 4 ऑप्शंस आपके करेक्ट होंगे, ठीक है ना। चले उसके बाद बात करते हैं सेक्शन डी की, इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है। तो देखो सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, एक समेशन सीरीज को सॉल्व करना है, आफ्टर दैट समेशन सीरीज को सॉल्व करने के बाद इसका सिग्मा फैक्टर, पहले सिग्मा सोल्व करो मतलब सीरीज को सोल्व करना, उसके बाद ये एक टिक्नोमेट्रिक इक्वेशन है उसको सोल्व करना है आपको। तो देखो कुछ नहीं करना, ये आपको आना चाहिए कि जब भी समेशन या सीरीज को सोल्व करना है तो आप क्या करोगे, जो nth टर्म है इसको आपको 2 पार्टों में स्प्लिट करना है, वो भी सब्ट्रैक्शन की फॉर्मेट में। जब इसको सब्ट्रैक्शन की फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे तो जैसे ही अपन सिग्मा को ओपन करेंगे तो मोस्टली क्या होगा, सेकेंड टर्म थर्ड से कैंसिल, फोर्थ फिफ्थ से अप टू सो ऑन, मतलब आप इसको टेलीस्कोप सीरीज की फॉर्मेट से करस्पॉन्डिंग टर्म को 1/1 टर्म को क्या करोगे, कैंसिल आउट, तो एक दो टर्म स्टार्टिंग में बचती है और रिमेनिंग कुछ टर्म आपकी लास्ट में बचती है, तो उनको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो क्या करना है इसमें, देखो जैसे लेट ये ए है, ये बी है आपका, तो आप एक काम करो, ये आपको पता है कि अपॉन में अगर साइन ए साइन बी है तो न्यूमीटर में या तो साइन का फॉर्मूला बनाओगे या कॉस का फॉर्मूला, मतलब तो इसके अंदर देखो ये कॉस 2n थीटा आ रहा है ना, तो इसमें एक काम करो, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अपन एक काम करते हैं, इसको साइन थीटा, आप देखो ना अगर इसको ए इसको भी मानोगे तो ए प्लस बी तो दिस आ गया, ए माइनस बी आपका दिस आ गया, सिंपल सी बात क्या है, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 2 साइन थीटा से करना मल्टीप्लाई डिवाइड, तो मल्टीप्लाई वाला पार्ट तो कॉन्स्टेंट है क्योंकि लिमिट आपकी एन है,
तो देन आप क्या करो, अपॉन वाले टू साइन थीटा को तो रखो बाहर, और सिग्मा टू कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो साइन ए प्लस बी करने पे तो आ गया 2n प्लस वन थीटा माइनस साइन ऑफ 2n माइनस वन थीटा। ठीक है, ये करने के बाद दिस अपॉन दिस, इसको इससे डिवाइड कर दो, माइनस किसको इससे डिवाइड, दिस अपॉन दिस करने पे ये वाला पार्ट कैंसिल आउट, तो वन अपॉन आ गया साइन 2n माइनस वन थीटा माइनस वन अपॉन साइन 2n प्लस वन थीटा, इतना आ गया। और इक्वल टू वाला पार्ट लिखने लिखना है। अब जब आप n की लिमिट पुट करोगे 1 से 5, तो देखो क्या होगा, n को 1 लेने पे क्या आएगा, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस के 1 अपॉन साइन 3 थीटा, और 2 लेने पे 1 अपॉन साइन 3 थीटा माइनस के 1 अपॉन साइन 5 थीटा। तो देखो ना, चलो एक स्टेप लिख के समझाते हैं आपको, 1 अपॉन 2 साइन थीटा एज इट इज, 1 लेने पे आ गया 1 अपॉन साइन थीटा, और इसमें 1 रखो तो साइन 3 थीटा, प्लस इसमें 2 लेने पे 1 अपॉन साइन 3 थीटा माइनस के साइन 5 थीटा। देखो सेकेंड टर्म थर्ड से, फोर्थ आपकी फिफ्थ से कैंसिल होगी, तो देखो सबसे लास्ट में कौन सी टर्म बचेगी, जब आप n को 5 इसमें पुट करोगे, क्योंकि सबसे बड़ी टर्म होगी तो 1 अपॉन ग्रेटर सबसे लीस्ट टर्म, तो माइनस के 1 अपॉन साइन 11 थीटा और बचने वाला है। ठीक है, बाकी सारी टर्म कैंसिल, और इक्वल टू तो लिखने लिखना है। तो फाइनली क्या आ गया क्वेश्चन, 1 अपॉन 2 sin थीटा, और ये आ गया 1 अपॉन sin थीटा माइनस के 1 अपॉन sin 11 थीटा, तो उसका एलसीएम लेने पे क्या आ गया, sin 11 थीटा माइनस sin थीटा अपॉन sin 11 थीटा इनटू sin थीटा, और इक्वल टू वाला पार्ट लिख देंगे बाद में। और sin c माइनस sin d का फॉर्मूला 2 sin c प्लस सॉरी 2 cos c प्लस d / 2 sin ऑफ c माइनस d / 2, दिस इज 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा साइन 11 थीटा, और न्यूमेटर में 2 कॉस सी प्लस डी वाई 2 साइन ऑफ 2 कॉस साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 कॉस सी प्लस डी वाई 2 साइन ऑफ सी माइनस डी वाई 2। यस सर, तो 11 और 1 12 बाई 2 6 और 11 माइनस 1 10 बाई 2 5 थीटा, और इक्वल टू में आया कितना है अपना, अब लिखते हैं इसको, कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर का मतलब 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये लो इनटू साइन 11 थीटा। यस सर, तो देखो साइन स्क्वायर और साइन 11 थीटा से तो पार्ट कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से 2 चला गया, तो फाइनली कितना आ गया है। और आप एक काम करो, ये भी रहने दो आप सिंपल, इसको न्यूमेटर में सीडी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन को इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। अब न्यूमेटर में सीडी मत लगाओ, सीधा ये लिख लो, इसको जब गिवन है वो कितना है 1 अपॉन साइन स्क्वायर साइन 11 थीटा, तो ये देखो ये वाला पार्ट इससे कैंसिल आउट हो गया ना, साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट और साइन 11 थीटा, तो क्या गया साइन साइन 11 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 2 आ गया, साइन 11 थीटा माइनस क्या लिखेंगे बोलो, साइन 11 थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 2। अब आप ये बताओ, दो साइन का डिफरेंस 2 कब आ सकता है, जब ये 1 हो और ये आपका माइनस के 1। ठीक है, इट इज पॉसिबल व्हेन साइन 11 थीटा इज 1 एंड साइन थीटा इक्वल टू माइनस के 1। अब जब आप इन दोनों का जनरल सॉल्यूशन लिखोगे और थीटा की जब कॉमन वैल्यू की बात करोगे, तो देखो साइन थीटा की वैल्यू माइनस 1 तो इधर होगी और 11 की वैल्यू 1 आपकी इधर, तो दोनों का जब जनरल सॉल्यूशन लिखोगे तो थीटा इक्वल टू माइनस 5 बाई 2 पे दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, थीटा इक्वल टू माइनस के पाई बाई 2 पे, क्योंकि 11 पाई बाई 2 इधर होगा ना, तो माइनस के 11 पाई बाई 2 इसको पॉजिटिव बना देगा और माइनस के पाई बाई 2 पे माइनस 1 होगा। तो आपसे किसकी वैल्यू पूछी गई है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट तो पाई बाई 2 पे 0 होगा, सॉरी कॉट की वैल्यू पाई बाई 2 पे 0 और कॉस की वैल्यू भी पाई बाई 2 पे 0 होगी, तो इसका आंसर क्या जाएगा, 0 क्या जाएगा आंसर बोलो, 0 आंसर होगा। तो आप जल्दीबाजी में अगर कॉमन वैल्यू बात करोगे तो कॉमन वैल्यू पाई बाई 2 का मल्टीपल होगी ना, और पाई बाई 2 के मल्टीपल पे कॉस और कॉट दोनों 0 होंगे, तो देन इसका आंसर 0 फिल करना। ठीक है, चलें, तो एक सिंपल क्वेश्चन है, बस इसमें सीरीज को सॉल्व करना मेन था बस, और एक ये भी पार्ट इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों का डिफरेंस 2 है तो एक कब पॉसिबल हो सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपको 3 पॉइंट गिवन है, ओ 0 0, 6 0, 3 √3 विद द वर्टेक्स ऑफ डेल्टा ओ ए बी, लेट कैपिटल आर बी द रीजन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स पी इनसाइड द डेल्टा ओ ए बी। मतलब एक रीजन आर है, उसका मीनिंग क्या है कि इस ट्राइंगल के अंदर एक पॉइंट पी है, उसे डिनोटेड बाय रीजन है, और पॉइंट पी सेटिस्फाई डी पी ओ ए लेस देन मिनिमम ऑफ डी पी ओ बी कॉमा डी पी ए बी। इसका मीनिंग क्या है, पॉइंट की ओ बी सी डिस्टेंस और पॉइंट की ए बी सी डिस्टेंस में से जो मिनिमम है तो डी पी ओ ए उससे भी लेस है। वेयर दिस कॉमा दिस रिप्रेजेंट दी डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम दी साइड ओ ए ओ बी ओ सी, ये पॉइंट पी की ओ ए ओ बी ओ सी से डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। इफ दी एरिया ऑफ द रीजन आर इज 9a - √b देन ए प्लस बी इज इक्वल टू। तो देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, पहले जो ट्राइंगल के वर्टेक्स इज गिवन इसको ड्रॉ करते हैं अपन। एक अच्छा क्वेश्चन है और जितना मेरे को आईडी है क्वेश्चन शायद आईआईटी में आया क्वेश्चन है, बहुत पुराना। एक ओ पॉइंट है 0 0, एक ए पॉइंट है आपका 6 0, तो ये लो 6 0 आ गए, और बी पॉइंट आपका मिड में 3 और ऊपर रूट 3, तो ये लो ये मिड में होगा एकदम, ये मिड पॉइंट आ गया, दिस इज 3 √3। अब देखो इसमें ज्योमेट्रिकली समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग। ये कह रहा है कि इन दोनों का जो मिनिमम है वो आपको राइट साइड में लेट करना है। तो इसमें दो केस राइज करो कि इफ मैंने लिखा डी पी कोमा ओ बी, पी की ओ बी से डिस्टेंस इज ग्रेटर इक्वल टू डी पी ए बी, आपने उल्टा मान लिया या फिर ऐसे बोल दिया कि सर पी की ओ बी से डिस्टेंस ग्रेटर है पी की ए बी से डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस इससे ग्रेटर है, तो राइट साइड में आपको दोनों का लेना मिनिमम, तो मिनिमम वाला ये पार्ट होगा ना, तो इसको इसमें पुट करोगे तो देन वी विल गेट डी पी एक मिनट को डी पी ओ ए इज लेस देन इक्वल टू डी पी ओ ए लेस देन इक्वल टू, इन दोनों का मिनिमम कौन सा डी पी ए बी। ये फर्स्ट केस का कॉमन रीजन होगा, ऐसी सेकेंड केस का कॉमन रीजन होगा, क्योंकि इस बार इसको उल्टा मान सकते हैं तो इधर ये आ जाएगा। तो पहले इसको देखो क्या मीनिंग है, पहले तो एक बात बताओ किसी पॉइंट की दो लाइन से डिस्टेंस इक्वल कब हो सकती है, एक पॉइंट की दो लाइन से डिस्टेंस इक्वल कब हो सकती है, जब वो पॉइंट है आपका उसके एंगल बाइसेक्टर पे लाई करता है। ये आप सबने पढ़ा होगा एंगल बाइसेक्टर की डेफिनेशन क्या है कि द लोकस ऑफ ए पॉइंट पी हुज डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम टू स्ट्रेट लाइन आर ऑलवेज इक्वल, एक पॉइंट की दो लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर ऑलवेज इक्वल है तो उसकी लोकस को क्या बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। देखो जैसे लेट ये दो लाइन है और अगर ये लाइन इसके एंगल बाइसेक्टर पे लाई करती है तो 100% इस केस में दोनों की डिस्टेंस क्या होगी सेम होगी ना, तो देखो इसमें एंगल बाइसेक्टर का यूज है। कौन कौन सी बात करिए, पहले इसकी बात सुनो पी की ओ बी से डिस्टेंस, तो देखो ऐसे समझो जैसे लेट ये ए है ये बी है और ये लेट ओ ए, तो ये तो आ गया ओ बी ये आ गया ए बी, तो इसका एंगल बाइसेक्टर ये होगा ना, तो अगर पॉइंट पी इधर लोगे तो दोनों लाइन से डिस्टेंस सेम होगी। अब मेरे को ओ बी पे डिस्टेंस ज्यादा चाहिए पी की, पी की ओ बी से डिस्टेंस ग्रेटर कब होगी जब पॉइंट पी आपके ऊपर वाले रीजन में होगा, जैसे पी इधर मानो तो देखो ये डिस्टेंस ज्यादा होगी परपेंडिकुलर ये कम होगी, ठीक है। तो देखो ब्लैक बोर्ड पे पी की ओ बी से डिस्टेंस ओ बी और ए बी मतलब दिस, तो एंगल बाइसेक्टर बनाओ पहले ये, तो मिड में होगा ना 3 पे, तो ये एंगल दोनों सेम है। तो अब आपको सोचो ना पॉइंट पी अगर इस लाइन पे लाई कराओगे आप तो दोनों साइड से डिस्टेंस सेम होगी, बट डिस्टेंस ओ बी ग्रेटर चाहिए, तो ओ बी डिस्टेंस ग्रेटर कब हो सकती है जब वो पॉइंट पी आपका इस एंगल बाइसेक्टर के राइट साइड में लाई करेगा, मतलब इधर वाले रीजन में लोगे ना पॉइंट पी को, तो उस केस में ओ बी से डिस्टेंस ए बी से डिस्टेंस से क्या होगी ग्रेटर। तो जो केस अराइज किया उसके अकॉर्डिंग तो रीजन हो गया ये। अब बात करते हैं नीचे वाले की, पी की ओ ए से डिस्टेंस और पी की ए बी से डिस्टेंस में ए बी की पी से डिस्टेंस आपकी ग्रेटर है, तो देखो ओ ए और ए बी, तो ये ओ ए है आपका ये ए बी है, तो इक्वल डिस्टेंस कब होगी जब आप इसका एंगल बाइसेक्टर बनाओगे,
तो अगर पॉइंट पी आपका इस लाइन पे लाई करेगा तो डिस्टेंस इक्वल होगी ना, थोड़ा कलर्ड पेन लेते दूसरा। अगर पॉइंट पी इधर लोगे तो पॉइंट पी की ए बी और ओ ए से डिस्टेंस इक्वल है, बट आपको ए बी से डिस्टेंस चाहिए ज्यादा, इसका मतलब जो पॉइंट पी है वो इस ब्लैक लाइन से नीचे आना चाहिए। तो नीचे कौन, इस वाले पोर्शन में लोगे आप, बट अभी तो मेरे को दोनों पार्ट का कॉमन चाहिए जिसमें रेड और ब्लैक दोनों हो, तो इसके अकॉर्डिंग तो आ गया ये वाला रीजन। सिमिलरली जब आप अगला केस लोगे ना OB less than AB, तो उसमें क्या होगा, ये रेड वाला पोर्शन इधर होगा और इसमें नीचे वाला होगा। अरे कुछ नहीं है, जब ये करोगे ना तो इस बार ये आंसर आ जाएगा आपका। देखो ना POB, OB और AB में से AB डिस्टेंस को ग्रेटर लाना है तो आप पहले ये वाला पोर्शन सेलेक्ट करोगे और ये लोगे, तो OA और OB में आपको OB को ग्रेटर लाना है तो आपका पॉइंट भी नीचे होगा। मतलब सिंपल सी बात यह है कि फाइनल जो इसका रीजन है वो ये होगा। तो ये एरिया आपको करना है कैलकुलेट, ठीक है, इसको एक दो बार विजुलाइज करोगे समझ जाओगे आप। तो ये एरिया कैसे करोगे, ये दो एंगल बाइसेक्टर हैं, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, इन सेंटर। तो सीधी सीधी बात है, ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ। इसका बेस 6 है और हाइट ये होगी ना, ये हाइट क्या है, इन सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट, और इन सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, ए बाई वन प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई थ्री, उसे कर सकते हो। या फिर सीधी सीधी बात है, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये लेंथ आपकी 3 है ना, और ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, तो देखो केयरफुली, ये टोटल लेंथ आपकी रूट 3 और ये 3, तो दिस अपॉन दिस टेन थीटा कितना आ गया, रूट 3 अपॉन 3, 1 बाई रूट 3, तो ये टोटल एंगल 30 है, तो ये हाफ एंगल कितना आ गया इसका, 15 डिग्री। तो मेरे को ये लेंथ चाहिए ना, ये लेंथ लेट एच मान लो आप, तो एच अपॉन 3 टेन थीटा, तो सीधे लग सकते 10 15 डिग्री इक्वल टू एच अपॉन 3, तो देन h इक्वल टू आ गया 3 10, 15 डिग्री की वैल्यू 2 माइनस के रूट 3। यस सर, ये लो फिनिश, ये 6 से 2 कैंसिल 3 बार आ गया और वंस अगेन 3 इंटू 2 माइनस के रूट 3, तो देन ये आ गया 9 इंटू 2 माइनस रूट 3, तो ए बी आप ए 2 होगा, बी आपका 3 होगा, तो देन ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, 5। तो इसका आपको 5 आंसर बेटा फिल करना, ठीक है, देख अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, चलो। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सिंपल क्वेश्चन है, इसको देखते हैं अपन, स्टार्ट करो। फ्रॉम ए पॉइंट ए कॉमन टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल एंड पैराबोला दिस पार्ट, क्या करना है, पॉइंट ए से आपको सर्कल और पैराबोला पे कॉमन टेंजेंट्स को ड्रॉ करना है। इफ द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्मड बाय कॉमन टेंजेंट द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द सर्कल एंड कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द पैराबोला इज दिस पार्ट, देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा माइनस म्यू माइनस बी। क्या मीनिंग है इस क्वेश्चन का, देखो आपको एक सर्किल गिवन है जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस ए बाई रूट 2 है। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। ये आपका सर्किल है, सेंटर 0 0, रेडियस आपको पता है। उसके बाद पैराबोला आपका ऐसे होगा। अब देखो दोनों के डायग्राम आपकी सिमेट्रिक है, तो देखो इसकी जो कॉमन टेंजेंट है वो ऐसे बनेगी, एक बार एक कॉमन टेंजेंट तो ऐसे बनाना और सेकेंड कॉमन टेंजेंट बनेगी सेम नीचे। और देखो ये दोनों के डायग्राम अगर x के अबाउट सिमेट्रिक है तो जैसा एरिया ऊपर होगा ना वैसे नीचे होगा, ध्यान रखना। फिर क्या बोला गया, कॉमन टेंजेंट कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द सर्किल, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का मतलब इन दोनों के जो पॉइंट है इनको ज्वाइन कर दें, और इधर इनके भी दोनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो आपको क्या करना है, इससे जो बाउंडेड बाय एरिया है ये आपको करना फाइंड आउट। एक सेकेंड, तो क्या करें, देखो उसके लिए अपन को क्या करना, कॉर्ड ऑफ कॉमन कॉर्ड कॉमन टेंजेंट और कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का मतलब दिस पार्ट और ये इसकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है, तो इससे बाउंडेड बाय एरिया कौन सा होगा, ये वाला एरिया बताना आपको। और सिंपल सी बात क्या है, इस एरिया के लिए या तो क्या कर सकते हो, ये क्वाड्रिलेटरल है, इसको अपन ट्रेपीजियम भी बोल सकते हैं क्योंकि टू साइड्स आर पैरेलल, टू साइड आर नॉन पैरेलल, तो देन ट्रेपीजियम का एरिया हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, जैसे लेट ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट आपका डी है, तो लिख सकते हैं ना ए बी प्लस सी डी इनटू, देखो जैसे लेट अगर ये पॉइंट आ गया तो ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, इसको मान लेते हैं अल्फा कॉमा जीरो, और ये पॉइंट ए आ गया
तो ये पॉइंट मान लेते हैं, देन बीटा कोमा जीरो, तो ये लेंथ बीटा होगी ओरिजिन से और ये अल्फा होगी, तो हाफ डिस्टेंस सम ऑफ पैरेलल साइड डिस्टेंस बिटवीन देम अल्फा प्लस बीटा। तो बस इसी पे काम करना अपन को। देखो क्या मेथड है इसको करने के, काफी सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। आप क्या करो, ये जो पॉइंट है ना पैराबोला पे, इस पॉइंट सी को लेट करो आप 80 स्क्वायर 280, पॉइंट सी लेट करो बेटा 80 स्क्वायर कोमा 280। तो इस पॉइंट पी पे पैराबोला की टेंजेंट क्या होगी, yt = x + a t = 0 से। और ये टेंजेंट अगर इस सर्कल को टच करती है तो सेंटर से इट्स डिस्टेंस इज रेडियस। तो जैसे आप कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अप्लाई करोगे तो 0 0 पुट करने पे आ गया 80 स्क्वायर का mod upon root of 1 + t² = radius = a/√2। कुछ नहीं करना, a से a कैंसिल, जैसे ही आप स्क्वायरिंग करके सोल्व करोगे तो देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ t। तो इससे बेटा t आने वाला 1, प्लस माइनस 1 होगा लेकिन t 1 लो माइनस 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्लस पे इधर होगा तो माइनस पे नीचे आ गया, t 1 आ गया इसका मतलब ये पॉइंट पता चल गया ना, और ये पॉइंट आ गया t को 1 लेने पे a, 2a, मजा आ गया ना, और ये आ गया a, -2a। इसका मतलब क्या है, ये आपका लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स है। सिमिलरली क्या करना है आपको, आपको इस a पॉइंट को और करना फाइंड आउट, क्योंकि a पॉइंट आ गया तो बीटा आ गया और इसकी जितनी लेंथ है वो लेंथ आपकी नीचे होगी। तो इस a पॉइंट के लिए कुछ नहीं करना, आपको t1 पता है तो t को 1 पुट कर दो इस टेंजेंट में, तो t को 1 लेने पे आ गया x - y + a = 0। ये पॉइंट ये क्या, ओरिजिन से इस पे जब फोटो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो पॉइंट ये आ जाएगा। फोटो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला x - 0 / a = y - 0 / v = -point पुट करो अपॉन a² + b², तो क्या होगा x - 0 / a = 1। ये फॉर्मूला याद करें, -0 पुट करो अपॉन 2, ये लो रे, तो इससे x तो आ गया माइनस के a/2 और y आ गया रे a/2, मतलब आपका पॉइंट a आ गया -a/2, a/2। तो देखो सिंपल, ये बीटा तो a/2 है, ये आपका a है, अल्फा तो a है, बीटा आपका कितना है a/2, तो अल्फा प्लस बीटा तो आ गया 3a/2, ये तो लिख देना 3a/2, ये लो फिनिश। ab का मीनिंग दिस लेंथ, तो ये लेंथ कितनी है 2a और 2a 4a, a/2 a/2a, तो ये आ गया 5a, यस सर, ये लो 5a, सबको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया 15a² / 4, ये लो क्या आ गया 15a² / 4। तो इसने क्या लिखा है कि ये वैल्यू लैम्डा ए की पावर म्यू अपॉन बी, तो लैम्डा तो 15 आ गया, म्यू 2 है और वी आपका 4 है, तो कितना हो गया 15 - 6 इसका 9 आंसर फिल करना आपको, क्या करना बोलो 9 आंसर। एक ही तक सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है चले उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन सभी। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक कंडीशन गिवन है √a + √d = √c + √b, ABCD पॉजिटिव नंबर है, देन द फैमिली ऑफ लाइन दिस पार्ट, ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन गिवन है इज पासिंग थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट m(x0, y0), मतलब फिक्स्ड पॉइंट को x0, y0 लेट किया गया है, तो 1/x0 + 1/y0 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल सी बात क्या है कि जब भी आपको फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन हो, तो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का मीनिंग क्या है कि लेट आपके पास टू लाइन है L1 और L2, तो L1 L2 के इंटरसेक्शन पॉइंट से जितनी भी लाइन पास होंगी उन सबको क्या बोलते हैं, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। और बेटा फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो ये जो टू लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है जिससे क्या होंगी, ये फैमिली ऑफ लाइन्स पास होंगी, इसी को क्या बोलते हैं, फिक्स्ड पॉइंट, यस सर। तो इस फिक्स्ड पॉइंट को फाइंड आउट करने का मेथड क्या है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर L1 L2 के इंटरसेक्शन पॉइंट से FSL पास होंगी तो देन उसकी इक्वेशन क्या होगी, L1 + λ L2 = 0, ये क्या फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अब सिंपल सी बात देखो ना, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ L1 एंड L2 = 0, L1 L2 का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या होगा, फिक्स्ड पॉइंट। तो इसका मीनिंग क्या है, आपको जो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन है इसको अगर आपने वी विल कन्वर्ट इट इनटू L1 + λ L2 = 0, देन L1 0 एंड L2 0 का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वही क्या होगा, आपका फिक्स्ड पॉइंट होगा। मतलब आपको इस रिलेशन की हेल्प से इसको L1 + λ L2 में करना है कन्वर्ट। इसका मतलब क्या है कि जितने वेरिएबल हैं उसको एक तरफ लेके आना, बस फिनिश। तो देखो कैसे करोगे, इसमें एक कंडीशन है AD = BC, इसकी हेल्प लेने के लिए
पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव है ना दोनों तरफ, तो इसकी स्क्वायरिंग कर दो, तो क्या आ गया a प्लस डी प्लस टू रूट ए डी इक्वल टू सी प्लस बी प्लस टू रूट बी सी। अब आप बात बताओ ए डी इक्वल टू बी सी है तो इसका रूट इसके इक्वल होगा, टू से मल्टीप्लाई करोगे तो टू रूट ए डी इक्वल टू टू रूट बी सी, इसका मतलब इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या आ गया a प्लस डी इक्वल टू सी प्लस बी। वंस अगेन इसकी स्क्वायरिंग करो क्योंकि सब में स्क्वायर आ रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू आ गया सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप बोलोगे क्यों, क्योंकि प्लस के टू ए डी और टू बी सी इक्वल है ना, ए डी इक्वल टू बी सी है तो टू ए डी इक्वल टू बी सी, इस रिलेशन को इसमें पुट कर दो रे, तो देखो इसमें और इसमें एक्स कॉमन लोगे तो आ गया ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस इसमें क्या है वाई स्क्वायर और सी है, तो चलो एक लिख देते हैं इसको बी स्क्वायर वाई प्लस सी स्क्वायर। तो क्या करना है देखो, आप इसमें सबसे पहले सी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, क्या करोगे बोलो, सी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं कितनी, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। यस सर, ये करने के बाद देखो इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इसमें वंस अगेन कॉमन, तो ए स्क्वायर डी स्क्वायर को जब वंस अगेन कॉमन लोगे, चलो इसको लिखते हैं अपन इधर थोड़ा, इधर लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को आपने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आ गया एक्स प्लस वन, और बेटा इन दोनों में जैसे ही बी स्क्वायर कॉमन लोगे प्लस का, एक सेकेंड, बी स्क्वायर कॉमन लेने पे आ गया वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो ये जो डी स्क्वायर ए स्क्वायर डी स्क्वायर इसको इसको अपॉन में ला सकते हैं बी स्क्वायर के, तो क्या जाएगा एक्स प्लस वन दिस अपॉन दिस कॉन्स्टेंट वाई माइनस वन, तो एल वन तो आ गया एक्स प्लस वन जीरो और एल टू आ गया वाई माइनस वन जीरो, तो दोनों को जीरो करोगे तो वाई वन तो वन आ गया और एक्स वन आपका माइनस वन आ गया, तो वन का रेसिप्रोकल वन और माइनस वन का रेसिप्रोकल माइनस वन, तो इनका सम क्या होगा जीरो होगा, तो आपको इसका जीरो आंसर फिल करना, ठीक है, तो एक तो उसके बाद देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है कि लेट द इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन दिस पार्ट, इसको लाइन लेट करते हैं लेट एल, इसको लाइन लेट करते हैं अपन एल, ठीक है, एल लाइन लेट करते थे बिटवीन द प्लेन पी वन एंड लाइन एल वन। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखो ढंग से, ये जो प्लेन है और ये लाइन है, ये दोनों आपके क्या हैं, देखो एक लाइन अगर एक प्लेन के पैरेलल है, एक लाइन अगर प्लेन के क्या है पैरेलल, तो लाइन के नॉर्मल सॉरी लाइन के एबीसी और नॉर्मल के एबीसी परपेंडिकुलर होंगे ना, तो देन ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू जीरो होगा, वैसे इसकी जरूरत है नहीं बट देख लेते हैं, तो देखो केयरफुली इसमें वन 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 है, इसमें टू माइनस वन है, तो देखो इसका सम जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये प्लेन लाइन की क्या है पैरेलल होगी, तो देखो इसको ऐसे लिखते अपन, ये लेट आपका प्लेन पी है जैसे पी वन, और ये जो लाइन है आपकी इसके पैरेलल है लेट पी वन, ठीक है, ये प्लेन लाइन के पैरेलल है, सो लाइन एल, ये प्लेन लाइन एल वन की क्या है पैरेलल, ये सर। अब इसके बाद देखो क्या बोला गया है, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये जो लाइन एल है इसको क्या करती है इंटरसेक्ट करती है दोनों को, इस पे तो करती है पी इस पॉइंट पे और इस पे करती है दिस पॉइंट बी पे, तो आपको इंटरसेक्ट मतलब इस ए बी की लेंथ को करना फाइंड आउट। देखो ना ये प्लेन है आपका, ये लाइन है और एक सेकेंड लाइन है आपकी, इस लाइन प्लेन को इंटरसेक्ट करती है ऐसे, तो देन ये जो इंटरसेप्ट है आपको इसकी लेंथ को करना फाइंड आउट, मतलब इस ए बी की लेंथ को करना कैलकुलेट। तो देखो कैसे करोगे, एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें देखो इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का, थोड़ा केयरफुली देखो, हाँ ये जो आपकी लाइन है ये लाइन तो जीरो जीरो से पास होती है और ये प्लेन जीरो जीरो को डज नॉट सेटिस्फाई, इसका मतलब ये जो लाइन लाइन एल पर जो पॉइंट है उसको इस प्लेन पे लेट नहीं करना, मतलब पॉइंट ए लेट नहीं करना, ये बात समझ लो, वैसे जरूरत है नहीं इसकी मेरे को। फिर क्या करना है देखो, ये जो एल वन लाइन है इस ये किस पॉइंट से पास होगी, वन कोमा टू कोमा थ्री से, ये लाइन एल वन आपकी इस पॉइंट पी से पास होती है, और ढंग से देखो इस पॉइंट को जब एल में पुट करोगे तो
तो 1/1, 2/2, 3/3/1, इसका मतलब ये पॉइंट आपका एल पे भी लाई करता है और एल वन पे, मतलब ये आ गया इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। इसका मतलब फिक्स हो गया कि जो पॉइंट बी है ये तो मेरा कितना आ गया 1, 2, 3। इसको ऐसे करो जल्दी हो जाएगा आपका। अब ए बी की लेंथ के लिए देखो क्या मेथड है, देखो मेरी तरफ। सबसे पहले क्या करो, इस पॉइंट ए से डाल दो इस पे परपेंडिकुलर, फोटो परपेंडिकुलर, दिस इज लेट एम। सुनो मेरी तरफ ब्लैक बोर्ड पे, ये इस लाइन प्लेन का नॉर्मल है, ये लाइन है, इन दोनों के बिटवीन लेट एंगल थीटा है, तो ये आ गया 90 - थीटा। यस सर, आपको ए बी की लेंथ को करना फाइंड आउट। ये आप सबने पढ़ा है, ये पॉइंट पता है, प्लेन पता है, तो पॉइंट की प्लेन से डिस्टेंस का फॉर्मूला, पॉइंट को प्लेन में पुट करोगा मोड अपॉन रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो बी एम की लेंथ तो बहुत सिंपल है, इसमें क्या होगा, पॉइंट पुट कर दो प्लेन में, 5, 6 - 3, 3/√3, ये लो, ये जो डिस्टेंस है ये तो आपकी रूट थ्री है, मतलब पॉइंट पी की जो प्लेन से डिस्टेंस है परपेंडिकुलर इज रूट थ्री। एक बात बताओ, ये डिस्टेंस पता है, कैसे भी करके ये एंगल पता चल जाए, तो बच्चों साइन थीटा का फॉर्मूला, सॉरी कॉस थीटा का फॉर्मूला दिस अपॉन दिस लिख सकते ना, इस ट्राइंगल में अगर बात करोगे तो क्या लिखोगे, कॉस थीटा का फॉर्मूला, थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर। या एक काम करते हैं, चलो ठीक है जो लिख दिया अपन ने, कॉस थीटा इज दिस अपॉन दिस, तो ये आ गया रूट थ्री अपॉन ए बी, कॉस थीटा का फॉर्मूला। ये लिखने के बाद कॉस थीटा की वैल्यू को लाना, तो एक काम करो ना, इस प्लेन के नॉर्मल के डीआरएस तो कितने हैं, 1, 1, 1, और इस लाइन के डीआरएस कितने हैं, 2 - 1 - 1, सॉरी लाइन एल के, ये भी कितने, 1, 2 और 3। इस लाइन के डीआरएस पता है, नॉर्मल के डीआरएस पता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 अपन। अरे यार एक ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, तो दो लाइन के बिटवीन एंगल का फॉर्मूला cos थीटा इक्वल टू कितना, क्या लिखोगे, cos थीटा इक्वल टू a1 a2, 1 1 2 2 2 1, तो कितना आ गया 6 √a² / b² / c² दोनों का, ठीक है ना। अरे a a1 + b b1 + c c1, तो 3 2 1 6 / 9 4 13 √14, और ये √3 आ गए लो, और दोनों से cos थीटा की वैल्यू को इक्वल करो, तो इससे जो ab की वैल्यू है वो लैम्डा होगी, और उस लैम्डा की वैल्यू को जैसे ही आप पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको अगर आप ज्योमेट्रिकली सोचोगे तो मेन पार्ट ये कि पॉइंट b अगर पता चल गया कि लाइन l और l1 का इंटरसेक्शन पॉइंट अगर यही है तो आपकी कैलकुलेशन बच जाएगी। अदरवाइज नॉर्मली क्या करना है, आप इसको जनरल पॉइंट मानो और लाइन l पे इक्वल टू लैम्डा मान के पॉइंट बी निकाल सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं, ठीक है, बट वो लेंथी प्रोसीजर है, सिंपल मेथड है ना। इस लाइन का और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट ए फाइंड करो, तो लाइन एल पे आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी मानो ए, पॉइंट को जैसे ही प्लेन में पुट करोगे तो आपको आर की वैल्यू मिलेगी, तो पॉइंट ए आ जाएगा। अगेन लाइन एल वन पे आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी मानो, और वंस अगेन इस लाइन एल पे आर टू डिस्टेंस पे एक पॉइंट बी मानो, और दोनों से पॉइंट बी को इक्वल करोगे तो आप आर वन आर टू की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, तो वंस अगेन आपका पॉइंट पी पॉइंट बी आ जाएगा। ठीक है, तो वट वो लेंथी प्रोसीजर है, ठीक है, तो इस तरीके से करोगे। और उसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 6, ये भी वेक्टर का क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या करना है, कंसीडर द पॉइंट पी एंड क्यू, आपको टू पॉइंट गिवन है पी एंड क्यू, एंड ए वेरिएबल पॉइंट आर ऑन द लाइन ऑफ दिस पार्ट, देन द लीस्ट एरिया ऑफ डेल्टा पी क्यू आर इज ए, देन 3a² इज। तो इस क्वेश्चन को करने के दो ऑप्शन है मेरे पास, अपन दोनों ऑप्शन देखते हैं, समझ लो मैथमेटिकली आप करना। देखो मेथड फर्स्ट तो क्या है, आपके पास थ्री पॉइंट है, एक पॉइंट तो है 1, 1, -1, एक सेकेंड पॉइंट है 1, -1, और थर्ड पॉइंट आर अपन को लाइन में पे लेट करना है। तो जब भी लाइन पे कोई पॉइंट मानते हैं तो वो क्या करो, सीधी जो लाइन का आर वेक्टर है वही आपका पॉइंट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, पता होगा आपको, लाइन पे कोई भी पॉइंट कंसीडर करना है तो उस आर वेक्टर को भी पॉइंट लेट कर दो, तो वेक्टर पॉइंट में तो पॉइंट क्या होगा दिस, इसका मतलब लैम्डा आई के प्लस जे के प्लस लैम्डा के, तो पॉइंट आ गया लैम्डा कॉमा
वन कोमा लेमदा, ये लो लेमदा कोमा वन कोमा लेमदा। अब आपको थ्री के थ्री पॉइंट गिवन है, तो ट्राइंगल का एरिया इज हाफ पी क्यू का क्रॉस इंटू पी आर का क्रॉस का डिटरमिनेंट या मोड, ठीक है। तो एक बार तो पी क्यू वेक्टर फाइंड आउट करना, एक बार पी आर वेक्टर, और आप डिटरमिनेंट फॉर्म से इन दोनों के क्रॉस की वैल्यू फाइंड आउट करके उसका ले लेना मोड। तो आपको एरिया फाइंड आउट हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। एरिया फाइंड आउट क्या होगा, लैम्डा की टर्म्स में। अब एरिया को क्या करना है, आपको मिनिमम करना है। तो मेरे अकॉर्डिंग जितना मेरे को आइडिया है, ये जो एरिया है ना वो लैम्डा में क्या बनने वाली है, क्वाड्रेटिक। जिसका एरिया वो लैम्डा में क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। और अगर उसका एरिया मिनिमम है तो क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, माइनस के डी अपॉन फोर है, तो आप उसकी हेल्प से कर सकते हो। या फिर चलो लैम्डा में बाई चांस वो क्यूबिक इक्वेशन है, तो एरिया आपका लैम्डा की टर्म है, तो उसका लैम्डा के रेस्पेक्ट में करो डिफरेंशिएशन, डीए बाय डी लैम्डा। उसको जैसे ही जीरो करोगे तो लैम्डा की एक वैल्यू पे वो एरिया होगा मिनिमम। नंबर लाइन ड्रॉ कर दो ना, प्लस माइनस प्लस, माइनस से प्लस में जैसे गो करोगे आप लेफ्ट टू राइट, तो देन उस केस में एरिया उस लैम्डा की वैल्यू के लिए क्या होगा, मिनिमम। तो उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। एक प्रोसीजर तो ये आ गया। और मेरे को जितना आइडिया है इसमें, अगर ये लैम्डा में क्वाड्रेटिक है, तो अगर एरिया लैम्डा में क्वाड्रेटिक है तो एरिया मिनिमम कब होगा, जब क्वाड्रेटिक की वैल्यू मिनिमम होगी, और अपवर्ड क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू माइनस के डी अपॉन फोर है, फिनिश, ठीक है। चलो एक तो से कर सकते हैं, और एक 3D के मेथड से और कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो उसमें करना क्या है, ठीक है। अब आप कैलकुलेशन आप करना अपने अकॉर्डिंग। इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है क्वेश्चन में, ये जो PQ पॉइंट है आपको इससे एक लाइन फॉर्म कर सकते हैं। देखो एक लाइन तो आपकी दिस है, बात को सुना केयरफुली, एक लाइन तो आपकी R वेक्टर दिस पार्ट है, इस पर तो एक पॉइंट है आपका R, ठीक है, और दो पॉइंट आपके P एंड Q हैं। और ये एरिया लेना है आपको मिनिमम, ये एरिया क्या लेना बोलो, मिनिमम। तो इस एरिया को मिनिमम लाने के लिए इसमें देखो क्या करना है, हाफ बेस इंटू हाइट का यूज करना है। क्या करना, हाफ बेस इंटू हाइट, कैसे लिख सकते, डेल्टा हाफ पी और क्यू पता है, तो ये तो पी क्यू डिस्टेंस हो जाएगी इंटू इसकी हाइट इज एच, हाइट अपन ये मान लेते हैं। तो ये हाइट क्या है, अरे एक बात बताओ खुद, ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, तो इसका एरिया मिनिमम कब होगा, जब ये हाइट इसकी मिनिमम होगी। यस सर, अरे यार पी क्यू की लेंथ तो फिक्स है ना, तो ट्राइंगल के एरिया हाफ, आपने पी क्यू को बेस माना, तो ये इसकी लेंथ परपेंडिकुलर हाइट है एच, तो एरिया आपका मिनिमम होगा जब ये एच मिनिमम होगा। और इस एच का मीनिंग क्या है, पी क्यू लाइन और इस लाइन के बिटवीन मिनिमम डिस्टेंस। तो कुछ नहीं करना, आपके पास दो पॉइंट गिवन है, तो आप कार्टेशियन फॉर्म में या सिमेट्रिकल फॉर्म में एक लाइन की क्वेश्चन लिख सकते हो, या वेक्टर फॉर्म में मान सकते हो। आप कार्टेशियन फॉर्म में एक लाइन की क्वेश्चन लिखो, और R वेक्टर आपको गिवन है, या वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो आप। एक वेक्टर तो सीधा गिवन था आपको, R वेक्टर इक्वल टू जे के प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ आई के प्लस के कैप। और एक R वेक्टर क्या होगा, एक लाइन की क्वेश्चन क्या होगी, ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। ए वेक्टर का मतलब जिस पॉइंट से वो पास होगी, तो चलो अपन इस पॉइंट से पास करा देते हैं इसको, आई के प्लस जे के माइनस के के प्लस म्यू टाइम्स ऑफ बी वेक्टर का मतलब पैरेलल टू दी वेक्टर। तो पी क्यू के पैरेलल वेक्टर क्या होगा, वन माइनस वन जीरो, माइनस वन माइनस वन माइनस टू, जे के प्लस टू के कैप, ये लो ये सेकेंड लाइन है। तो दो लाइन गिवन है आपको, एल वन एल टू, तो दो लाइन के बिटवीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला, एस डी का फॉर्मूला क्या था, ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू अपॉन बी वन क्रॉस बी टू का मोड। तो आप शॉर्टेड डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से इन दोनों लाइनों के बीच में शॉर्टेड डिस्टेंस मतलब मिनिमम डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हो, क्योंकि दोनों लाइंस क्या आपकी स्क्यू लाइंस हैं। क्या बोलो, दोनों लाइन आपकी स्क्यू लाइंस है, तो देन इस केस में एच डी के फॉर्मूले से आप मिनिमम डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हो। तो ये मेथड ठीक है, बट ये लेंथी है, लेंथी क्या सीधा एच डी का फॉर्मूला को आंसर आ जाएगा। और ये मेथड तो सिंपल है, इसमें भी ठीक ठाक है, क्योंकि इसमें पहले वेक्टर को फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जैसे ही आप सॉल्व करोगे, तो आपको इसने जो पूछा गया है क्वेश्चन में, क्या पूछा उसको देखते हैं वन सेकेंड।
आपसे बोला गया कि 3a² की वैल्यू बताओ, तो जब आप इसको सोल्व करोगे बेटा तो उसमें 3a² की वैल्यू आने वाली है, या इसमें सोल्व करने पे a² की वैल्यू आती है 8/3, कुछ नहीं करना, आप सोल्व हो जाएगा आपका। तो देन इसका 8 आंसर आपको फिल करना, ठीक है। तो इस तरीके से ये पेपर अपन ने सोल्व किया है, तो एक अच्छे क्वेश्चन थे। तो चलो बेटा, थैंक यू, जाओ उसके बाद आप।